हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया सिंह अगेन इन फ्रंट ऑफ यू एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल. हमारे अनअकैडमी के बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है. वेरी गुड मॉर्निंग पूजा, रफीक, सुजाता, बसेर, सैंग. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल जितने भी लोग जुड़े हुए हैं. मुझे उम्मीद है कि मेरी जो आवाज़ है आपको आ रही है. मैं ऑडिबल हूँ पूरी तरह से आपको, और अगर मैं ऑडिबल हूँ तो एक बार मुझे हाँ करके बता दें सो दैट हम आगे बढ़ सकें. गुड मॉर्निंग सरफराज. ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन एवरीवन. आप फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं आप सेशन को, और इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग यहाँ पर जुड़ पाए आपके साथ. और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ये डिस्प्ले मैं रोज आपको बार बार इसलिए दिखाती हूँ और बताती भी हूँ ताकि आप रियल टाइम एग्जामिनेशन से काफी हद तक अवेयर हो जाएं, फेमिलियर हो जाएं ताकि आप आसानी से पेपर को अटेम्प्ट कर पाएं. ओके, तो आज बात करेंगे एंशियंट इंडिया के आर्ट की, बात करेंगे आर्किटेक्ट की, बात करेंगे जिसके ऊपर एनटीए 2 से 3 सवाल हर बार बनाता ही बनाता है. ट्रेंड में चीजें चल रही हैं तो ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए, अप्रोच को ध्यान में रखते चीजों को जो है पढ़ना समझना काफी ज्यादा जरूरी होता है हमारे लिए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन हमारा. तो पहले मैं बात करूंगी लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में. आपके अनअकैडमी का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है आपका ये, और इस प्लेटफॉर्म के साथ साथ आपको दी जा रही है बेस्ट एजुकेशन जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. और बेस्ट एजुकेशन ही आपको काफी हद तक आपका एम जो है वो इजिली आपको दिलवा सकता है. परफेक्शन वाली बात अनअकैडमी में हमेशा रही है, यानी कि आपकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए इनिशिएटिव जो है हमेशा से लिया जाता है ताकि आपकी जो परफेक्शन है वो आपके काम में नजर आए और हमारा जो हार्डवर्क है वो हमारे काम में नजर आए. ये मेरा प्रोफाइल है स्क्रीन के ऊपर आपका, तो देख पाएंगे SRS10 ये मेरा कोड है. इसको आप अप्लाई कीजिए फॉर पेपर 1 पेपर 2 के लिए, और पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ले रही हूँ. पेपर 1 की क्लास होती है मेरे रोज 7:30 बजे शाम को, और पेपर 2 हिस्ट्री की क्लास मैं लेती हूँ रोज आपके साथ 4 बजे अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर. और टेलीग्राम का चैनल मेरा स्क्रीन के ऊपर, इसको आप ज्वाइन कीजिए. और पेपर 1 जनरल टू ऑल है हमारा, हम सभी जानते हैं इसके बारे में क्योंकि सबके लिए एक ही पेपर हमेशा आता है. जितने भी कैंडिडेट्स अपियर होते हैं. हिस्ट्री की क्लास मैं रोज लेती हूँ यूट्यूब के ऊपर रोज 11 बजे, और 7 बजे 4 बजे लेती हूँ रोज क्लास आपके साथ हमारे लर्निंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर. गुड मॉर्निंग हीरा, मोनी दत्ता, मिस्टर पाल, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. और आइकॉनिक की बात करें तो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है आपका आइकॉनिक, और प्लस उससे भी ब्रॉड कॉन्सेप्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर प्लानिंग जो है वो हमेशा दी जाती है, साथ में दी जाती है पर्सनल कोचिंग आपको. और इस कोचिंग में आपको कोशिश की जाती है कि आपके जितनी भी नीड्स है चाहे वो SOPs हो चाहे डिस्टेशन हो उसके बारे में डिटेल में बात की जाती है. और स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे मेरा कोड है जो है पेपर 1 के लिए, और साथ में है पेपर 2 के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा आपका. तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और काफी हद तक स्ट्रांग बना सकते हैं. मेरा कोड आइकॉनिक में भी एप्लीकेबल है, इसको आप ज्वाइन कीजिए और पेपर 1 पेपर 2 के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. लाइव क्लासेस हैं, स्ट्रक्चर प्लानिंग है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, तो इसको आप जरूर ज्वाइन करें. हेलो अंकुश, मिस्टर पंकज, कविता, वृद्धि, निखत, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. गुड मॉर्निंग टू ऑल. और साथ में देखिए बात करेंगे हम यहाँ पर प्राइस हाइक अलर्ट की, तो 30 सितंबर जो है इसका लास्ट डेट तो हमारा रहा, पर अभी भी अगर आप चाहें तो अच्छी कोशिश के साथ लर्निंग ऐप पे बहुत सारे ऐसे ऑफर्स आपको अवेलेबल होंगे जो अनअकैडमी आपको देगा, तो उसको आप ज्वाइन कीजिए. और साथ में हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे बेस्ट एजुकेशन के साथ बेस्ट एजुकेटर्स अवेलेबल है, तो उसको आप ज्वाइन कर कीजिए. और 12 महीने के साथ 2 महीने का कोर्स ये फ्री था, 30 सितंबर लास्ट डेट थी, तो आप ये मान के चले कि टाइम टू टाइम इस तरह के ऑफर्स जो है अनअकैडमी आपके लिए इनिशिएटिव के तौर पर लेता रहा है. तो आप कोशिश करें कि आगे जब भी ऑफर आपके लिए एप्लीकेबल हो तो जरूर इसको एक बार इनिशिएटिव में रखें. अपने कोई इनअप्रोप्रिएट वीडियो देखते हैं तो उसको आप हमेशा बताएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा उस वहां से आप फीडबैक दे सकते हैं लिंक पर जाकर. स्पेशल क्लास की सबसे खास बात है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इजी टू एक्सेस है. फॉलो कर लीजिए मुझे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर लिंक आपको मिलेगा सोनिया सिंह के नाम से, तो वहां से आप मुझे फॉलो कर लीजिए. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल जितने लोग जुड़े हुए, सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए और कभी भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं. राइट, ये सबसे इसकी खास बात है. अपकमिंग सेशंस में मैं ला रही हूँ पेपर 1 आपके रोज 7:30 बजे, और ला रही हूँ साथ में पेपर 2 रोज 4 बजे. न्यू प्लस का बैच मेरा स्टार्ट हो चुका है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. साथ में मॉडर्न इंडिया के ऊपर मेरा फोकस है,
क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की डिमांड थी कि मॉडर्न इंडिया के ऊपर काम करवाया जाए दोबारा से रिकॉर्डेड सेशंस में। इंश्योरिटी के साथ कह रही हूँ कि अगर इतना भी आप पढ़ लेते हैं तो काफी होगा आपका नेट जरा क्वालिफाई करवाने के लिए, और साथ में आपका रिविजन मैटर करेगा रिकॉर्डेड सेशंस के साथ, जो काफी हद तक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सो लेट्स बिगिन द सेशन, लिस्टन टेस्टिंग एजेंसी के साथ स्टार्ट करते हैं चीजें, और उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह के जितने भी सवाल आपके सामने इस बार अब आने वाले हैं उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल पीपल। नेहा वेरी गुड मॉर्निंग, सरबनी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्योंकि कल मैंने बोला भी था आप लोगों को, तो काफी सारे जो मेरे एजुकेटर सॉरी एस्पिरेंट्स हैं, मेरे लर्नर्स हैं, उन्होंने अपनी एफर्ट्स को कमेंट बॉक्स में लिखते हुए बताया कि उन्होंने कितने मार्क्स गेन किए हैं कल वाली क्लास में। तो सुगंधा का मैसेज मेरे पास था, नेहा थी यहाँ पर, विभा का मैसेज मेरे पास आया था, तो काफी खुशी हुई जानकर कि आप लोग इवेल्युएट करते हैं और साथ में वेटेज रखते हैं कि एजुकेटर जो कह रहे हैं, हमारे टीचर्स जो कह रहे हैं, उसकी बात को हम मानते भी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने कमेंट करके स्पेशली बताया उसके लिए। और मिस्टर पाल आज एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है, आज आपका एडमिट कार्ड आपके हाथ में बिल्कुल होगा। सैंग आई एम एब्सोल्युटली फाइन, और फाइन ही रहना है जब तक आपका जेआरएफ आपके हाथ में नहीं हो जाता, ठीक है सैंग। दीपक कौशिक वेरी गुड मॉर्निंग, दीपक ने टाइम पे ज्वाइन किया है, ओके फाइन दीपक। तो काफी खुशी हुई जान के कि आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया है, और आज की भी क्लास में यही, इट्स अ टोटली हम्बल सबमिशन टू ऑल, प्लीज ट्राई टू मेंशन योर ऑल द स्कोर्स आफ्टर द क्लास। जो भी कमेंट बॉक्स है वहां पर लिख कर जाएं, बताकर जाएं, इससे ये फर्क पड़ता है कि जो बाकी लोग देखते हैं उनको लगता है कि हाँ ऑथेंटिसिटी है, जो बच्चे काम कर रहे हैं, जो टीचर्स काम कर रहे हैं, सब कुछ हवा में नहीं चल रहा है कि आप रेंडमली आएंगे और क्लास अटेंड करके चले जाएंगे। तो ऑथेंटिसिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, और आज भी कोशिश रहेगी कि आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स को बताकर जाएं। और एक दूसरी चीज मैं बता दूं, कल एक एस्पिरेंट का, एक कैंडिडेट का मैसेज आया था मेरे कमेंट बॉक्स में कि मैम एक्सप्लेनेशन भी साथ में दिया करें। तो देखिए मैं बता दूं कि मैं आपसे हमेशा पूछती हूँ सवाल खत्म होने के बाद कि क्या आपको समझ में आ गया है, कि एक्सप्लेनेशन की नीड है, राइट। तो जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे कि मैम एक्सप्लेनेशन देकर जाइए या बताकर जाइए, मुझे कैसे चलेगा पता कि आप क्या चाहते हैं, ओके। तो इस तरह के जो है कमेंट, थोड़ा सा आप अपने, आप पूरी तरह से फ्री हैं कमेंट्स करने के लिए, यू आर नॉट बाउंड, बट एटलीस्ट कि जब तक आप ट्रेंड को समझे एक बार, जहां पर अगर मैं यहाँ पर 30 सवाल ले रही हूँ आपके साथ, अगर 30 सवालों का एक्सप्लेनेशन देने बैठूंगी तो आपका कम से कम 2 घंटा चला जाएगा, ठीक है, 2 से 3 घंटा चला जाएगा आपका बड़ा आराम से। और हम रोज स्पेशल क्लास पे मिल रहे हैं, रिकॉर्डेड सेशंस में आपको दे ही रही हूँ, तो कोशिश करें कि उन सेशंस को देखें आप लोग, क्योंकि हम रिविजन तभी कर रहे हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी है। एग्जाम से 6 दिन पहले अगर मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ाऊंगी, कंटेंट पढ़ाऊंगी, तो आप तैयारी और रिविजन कब करेंगे, राइट। तो मेरी कोशिश है कि मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी आपको रिटर्न में दू, इसीलिए मैं टेलीग्राम का लिंक आपको भेजती हूँ कि आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें आप लोग, और फिर भी अगर लगता है कि एक्सप्लेनेशन अप टू द मार्क नहीं है तो आप बताएं मुझे, जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक मुझे नहीं चलेगा पता कि आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या चाहते हैं। तो एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बिल्कुल बोले उसको एक बार, ठीक है। दीपक कौशिक हिस्ट्री में काफी स्कोप है, देखिए आप रिसर्चर बन ही रहे हैं इसके बाद से, नेट जेआरएफ निकालने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं, और अब तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी जो है मैंडेटरी जो थी हमारी वो खत्म कर दी गई है, राइट। तो नेट जेआरएफ निकाले और प्रोफेसर बनिए आराम से किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या कॉलेज में साथ में जाकर। और तीसरी सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आप कोई एनजीओ ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा जो आईसीएचआर वाला रिसर्च सेंटर है दिल्ली वाला, हिस्टोरिकल रिसर्च का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो हमारा लाल किला में है दिल्ली वाला, वहां पर बच्चे रिसर्च करते हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं वाइल गिविंग द एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू। एनसीईआरटी का जो डिपार्टमेंट है हमारा दिल्ली में और बिंदु मार्ग पर, वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर स्टाइपेंड दिया जाता है। जिनका नॉन नेट है यानी जिसका नेट पास नहीं है उनको दिया जाता है 30,000, और जिनका नेट क्वालिफाइड उनको दिया जाता है 35,000। तो वहां पे भी जाके आप प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं, तो हिस्ट्री की काफी तमाम चीजें आपके लिए खुली हुई हैं, ठीक है दीपक। हाँ नेहा यूपीएससी तो कर ही सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग पीजीटी के जितने पेपर आते हैं, यूपी पीजीटी का पेपर है अभी देखिए 11 नवंबर को, उसमें आप अपियर हो सकते हैं। दिल्ली का पेपर होता है पीजीटी का, अगर आपका बीएड है तो आप तब भी दे सकते हैं, जिनका बीएड नहीं है वो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आप लेक्चरर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, प्रोजेक्ट रिसर्चर बन सकते हैं, ठीक है। और जो भी अगर आपका अगर इच्छा है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जाने की, तो एक्सकवेशन भी कर सकते हैं, अलग अलग चीजें जो है साइंटिफिक तरीके से लोगों के सामने लेकर आ सकते हैं, ठीक है दीपक।
ठीक है दीपक, दोबारा बताएं। देखिए दीपक, यहाँ पर दो तीन तरह की चीजें हैं। एक तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन ही रहे हैं यहाँ पर नेट जेआरएफ के बाद। दूसरा, अगर मैं बात करूँ पीएचडी का ऑप्शन आपके साथ है, यहाँ पर सरकार 35,000 देगी आपको पीएचडी करने तक के टाइम में। तीसरी बात करी हूँ एनसीईआरटी के, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स है दिल्ली में है, जहां पर भी अवेलेबल है, टाइम टू टाइम उनकी वैकेंसीज को चेक करते रहें वेबसाइट पर जाकर। गवर्नमेंट का ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर होता है, इंटरव्यू देना पड़ता है, वहां पर जाके बड़े आराम से आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर शशि ने बता भी दिया है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर। दीपक फिर भी बता देती हूँ, और उसके अलावा जो ICHR वाला डिपार्टमेंट है आपका, उसको तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है, सॉरी गलती से ये स्किप हो गया मेरे से, फाइन। तो उसको भी आप देख पा रहे होंगे, ICHR की बात कर रही हूँ यहाँ पर। साथ में जितने भी छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स आते हैं जिस पर काफी अच्छी एक रिसर्च की जाती है, और अच्छे स्टाइपेंड के साथ पैसा काफी अच्छा दिया जाता है, वहां पर भी दीपक आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो इससे सबसे खास बात ये है कि जो आपका www.ugcnet.ac.in की वेबसाइट है, उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लें आप लोग अपना, जिनका नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है या होने वाला है इस बार। तो वहां पर अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे दीपक और बाकी लोग भी, तो वहां पर इन यूनिवर्सिटीज में जो प्रोफेसर होते हैं वो खुद ही आपको अप्रोच करेंगे जब भी वैकेंसी आएगी। अगर आपका रिज्यूम में अप टू द मार्क होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर वहां पर वैकेंसीज आती हैं, तो आपको वहां अप्रोच करके बुलाया जाएगा और आपको जो है जॉब्स के लिए ऑफर किया जाएगा दीपक, ठीक है, फाइन। हाँ, UGC, NCERT, आर्काइव है, ICHR है, CBSE, बहुत कुछ है दीपक। मॉडर्न ऑप्शन है दीपक, कोई बात नहीं, मॉडर्न ऑप्शन है ये, मिडिवल एंशियंट, उससे फर्क नहीं पड़ता है। स्पेशलाइजेशन मांगते हैं बस आर्कोलॉजिकल वाले डिपार्टमेंट में, जहां पे एंशियंट हमारा मेन रहता है, अदरवाइज आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। और आर्कियोलॉजी में भी जाने के लिए एक यहाँ पर डिप्लोमा होता है 8 महीने का, 9 महीने का, जो इग्नू वाला डिपार्टमेंट करवाता है, BHU करवाता है। और BHU एक ऐसी यूनिवर्सिटी है पूरे इंडिया में जो आर्कियोलॉजिकल में रिसर्च करवाती है, अदरवाइज कोई यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं है, DU में भी नहीं है, JNU नहीं है, जामिया नहीं है, तो कोई नहीं करवा रहा है। तो यहाँ पर BHU के साथ आप जा सकते हैं, अदरवाइज इग्नू जो रहेगा आपका बेस्ट यूनिवर्सिटी है ओपन के लिए, वहां पर भी आप जा सकते हैं विद ऑथेंटिक मटेरियल, तो वहां पर भी एक बार आप देख सकते हैं दीपक। सयंक, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, सवाल पूछे मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ में जो स्पेशल वाली क्लास होती है सयंक हमारी, वहां पे डाउट का ऑप्शन बना हुआ है सयंक, ठीक है, वहां पर जाएं आप, डाउट वहां पर जाकर लिख देंगे तो मैं कभी भी उसको देख पाऊंगी। डजंट मीन कि आप अभी लिखेंगे तो मुझे दिखेगा नहीं या बाद में वो चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जहां पे आप अपने सवालों को, जहां चैट बॉक्स होता है ना, जहां पे आप सवाल का आंसर देते हैं ABC लिखते हैं सयंक, वहां पे एक डाउट का ऑप्शन बना हुआ है सर्कुलेशन मोड में, वहां पर जाकर अगर आप अपना डाउट लिखेंगे तो मैं इजिली पढ़ पाऊंगी सैंक, ठीक है, यही एक रास्ता है आपसे कांटेक्ट करने का, ठीक है सैंक। बाकी अगर कुछ भी मेरी तरफ से अगर इनिशिएटिव होगा ताकि मैं आपसे जुड़ पाऊँ, तो कोशिश करूंगी कि आपके सवालों को ले पाऊँ। सुगंधा ने देरी से ज्वाइन किया, सुगंधा वेलकम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है, चलिए काफी समय ले लिया मैंने आपका, अब आगे बढ़ते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। दीपक सेटिस्फाई है सवाल के जवाब से, गुड मॉर्निंग शशि, ठीक है, शशि ने वैसे डिटेल में यहाँ बता भी दिया है तो आप देख सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं नेहा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जब आप जाकर वहां पर बैठेंगे इंटरव्यू कमेटी के सामने, तो मान लीजिए अगर आपका टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन है यहाँ पर, तो वहां पर वापस से जाकर बड़ी आसानी से आप अपना टॉपिक जो है बाद में चेंज कर सकती हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि अगर आपने इंटरव्यू सेशन में ये टॉपिक उनको बता दिया, पढ़ा दिया, और यहाँ तक ये भी कह दिया कि सर एंड मैडम आगे भी जो रहेगा, आई एम जस्ट गोइंग टू फॉरवर्ड एंड प्रोसीड माई सेम टॉपिक फॉर फर्दर रिसर्च, आगे भी इसी टॉपिक को प्रोसीड करूंगी, तो अगर आप कह भी देती हैं तो फिर भी बाद में आप अपने हिसाब से चीजों को बदल सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली जो रिसर्च का काम रहेगा यहाँ पे नेहा आपको करना है, जो कमेटी मेंबर्स होते हैं, जो आपके गाइड्स होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, वो दे कैन ओनली गाइड यू, राइट नेहा। बिल्कुल सर, JRF निकालने का ही फायदा है सबसे ज्यादा, अदरवाइज नेट तो आपके हाथ में है ही, बिकॉज JRF से थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट जो है आपके पास आ जाता है सर, ठीक है। मनीषा वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है जी, सवाल सबके मैंने ले लिए हैं, तो क्लास स्टार्ट करते हैं, ओके, शुड यू प्रोसीड द क्लास नाउ, जी चलिए। देखिए भाई, पहला सवाल है, वैसे तो आपने आंसर देख ही लिया है, पर फिर भी देखें और ईमानदारी से जवाब दें। सवाल नंबर 1 है आपका स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, देखिए 8 से सवाल आपका आया है, और विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज फॉर मेकिंग ब्रॉन्ज स्टैच्यूज ड्यूरिंग हरप्पन सिविलाइजेशन की बात की जा रही है।
तो हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांस्य की मूर्तियां बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता था? लॉस्ट वेक्स कास्टिंग की बात की जा रही है, स्टोन कार्विंग यानी पत्थरों को काटकर वुड कार्विंग, लकड़ी को काटकर आइवरी यानी हाथी दांत की जो नक्काशी थी उसकी बात हो रही है। हाथी दांत जो है आपका दहशाला जगह है, वहां पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। जो आपकी किताब है रोम वाली, एरिथियन सी वाली, उसमें ये बकायदा मेंशन भी की गई है, और हाथी दांत के ऊपर आपका सवाल भी एक बार आ चुका है। वेरी गुड टू ऑल। प्रदीप भी जुड़ गए हैं, बसेत, सयंक, शिवम, शिवम वेरी वेलकम, ओके गुड मॉर्निंग शिवम, सबको बहुत बहुत वेलकम है जी। सुगंधा है, अंकुश, पार्थ मौर्या, सुगंधा पाही, निखत, मिस्टर पाल, पूजा है, दीपक कौशिक, ठीक है कह रहे हैं ए होना चाहिए जी, रफीक कह रहे हैं ए है, पूजा कैद का भी है, मधु कुमारी का ए है। देखिए सबका जवाब आ चुका है, हाँ जी, लेट्स सी द राइट आंसर। देखिए एक्सप्लेनेशन है हमें स्क्रीन के ऊपर। टेलीग्राम के ऊपर काफी बच्चों को कल कंफ्यूजन थी, मैम टेलीग्राम चैनल बता दीजिए अपना, तो मैंने ऑलरेडी स्लाइड में मेंशन कर रखा है, ठीक है, तो वहां से देखकर आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं जिनके जिनके लिए नई चीजें हैं, बाकी तो लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, ठीक है। तो देखिए भाई, लॉस्ट वैक्सीन तकनीक जो है हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांस्य की मूर्तियां बनाने के लिए जानी जाती है। डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति है एक प्रसिद्ध उदाहरण है, और यह शायद दुनिया की पहली तांबे की मूर्ति है, तो आपको ध्यान रखना है। और डांसिंग गर्ल के ऊपर सबका जो सवाल है, एनटीए ने काफी बार बनाया भी, तो इसको आपको ध्यान रखना है। डांसिंग गर्ल स्टैच्यू की बात हो रही है, फेमस एग्जाम्पल, एंड इट्स परहैप्स द फर्स्ट कॉपर स्टैच्यू इन द वर्ल्ड। ओके ओके पंकज, पंखुड़ी कह रही है ए होगा, ठीक है जी, सबका यहाँ पर ए है, और पोल गया है हमारा 100% का, सो कंग्रेचुलेशन टू ऑल। ये है भैया आपकी डांसिंग गर्ल जो आपको नजर आ रही है। कमेंट में आप मुझे बताएंगे ये मूर्ति जो है कहाँ से मिली है, जो एक्सकवेशन हमारा हुआ था उसकी बात मैं कर रही हूँ, जो खुदाई हमारी हुई थी तब ये मूर्ति कहाँ से मिली है हमें, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। ठीक है, वेरी गुड टू ऑल, सबका जवाब बिल्कुल सही है, पोल रहा है 100% का, सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से मिला है पूजा, कोई और बता सकता है? पूजा वेल डन, एनीवन एल्स? वेरी गुड सुप्रिया, निखत, बीना, ठीक है, हर्ष शर्मा है, ओके, कविता, सुजाता, सयंक, हीरा मोनी दत्ता, मिस्टर पंकज, विभा हमारे साथ नहीं जुड़ी है आज लगता है, राइट, विभा इज नॉट देयर टुडे, दो तीन बच्चे मिसिंग है आज क्लास में, बाकी सब है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सवाल अवेलेबल है आपके, नेक्स्ट स्लाइड जब करूंगी 30 सेकेंड के बाद आपके लिए, तो हिंदी में सवाल आप देख पाएंगे, ठीक है, ओके सुगंधा, ओके चलिए, टेक केयर, एग्जाम भी आपके आने वाले हैं, तो अच्छा वो आपने एग्जाम से पहले ही जो करवा लिया है। काफी बच्चे पूछ रहे थे मैम कोविड का सर्टिफिकेट साथ में लेके जाना इम्पोर्टेंट, एडमिट कार्ड जब आ जाएगा एग्जाम देने जाएंगे तो मैंडेटरी नहीं है आपके लिए कोविड का सर्टिफिकेट, ध्यान रखें इस चीज का, ठीक है, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में, तो मास्क पहन कर जाएं जो मैंडेटरी रहेगा आपके लिए, ठीक है, बाकी इंस्ट्रक्शंस आएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा जो भी चीजें रहेंगी आपके लिए। देखिए भाई हिंदी में सवाल जो है आपका अवेलेबल है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, ओके, टेराकोटा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही बोल पूछा गया, करेक्ट वन की बात हो रही है, ध्यान रखें इस चीज का, या मिट्टी के बर्तन की तरह मिट्टी है यानी मिट्टी की बात हो रही है, बी कह रहे हैं कि यह एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन है, एक मिट्टी आधारित अनगिनत या चमकता हुआ सिरेमिक होता है जहां निकाल दिया जाता है शरीर छिद्रपूर्ण होता है, ठीक है, उसकी बात हो रही है, बिल्कुल दीपक आ जाएगा आज एडमिट कार्ड, बिल्कुल आ जाएगा, हर्ष ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप अपना टॉपिक जो है अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं हर्ष, ठीक है, शिवम कह रहे हैं डी है, बीना का डी है, मिस्टर पंकज का डी है, बसेत कह रहे हैं डी है, मिस्टर पाल कह रहे हैं डी के उपरोक्त सभी होना चाहिए, ओके एंड योर टाइम इज ओवर नाउ, ठीक है जी, गुड टू ऑल, वेरी गुड, वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर दो था हमारे स्क्रीन के ऊपर, काफी अच्छा जवाब है आपका। अच्छा टेम्पल्स के ऊपर एक रिकॉर्डेड प्रीमियम वीडियो में अगर आपको दे दूं तो चलेगा, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना समझने में आपको कि लाइव सेशन ही ले आपके साथ। टेम्पल्स की मैं आर्ट की मैं बात कर रही हूँ, जो हमारा टेम्पल वाला टॉपिक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड टू ऑल, 100% बोल रहा है निखत, कंग्रेचुलेशन, पूजा कैथ कह रही है डी है। देखिए टेराकोटा इज अ टाइप ऑफ जो है आपका अर्दन वेयर है, क्ले बेस्ड होता है, अनग्लेज्ड होता है, ग्लास सेरेमिक से बना होता है,
यहाँ पे देख पाएंगे कि मिट्टी आधारित बिना चमकता हुआ सिरेमिक होता है। और आप देख पाएंगे जो टेराकोटस होती हैं बनाई, लेकिन पत्थर और कांस्य की मूर्तियों की तुलना में सिंधु घाटी के मानव के रूप के टेराकोटा प्रतिनिधित्व हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो हैं कच्चे होते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड दे दे। चलिए ठीक है जी, ये है जी आपका स्क्रीन के ऊपर टेराकोटा फिगरेंस जिसकी आप बात कर रहे हैं। जी, एक बार कमेंट में बता दीजिएगा रिकॉर्डेड चाहिए या फिर सिंपली दे दें आप उसी तरह से। ठीक है, लाइव सेशन ले ले सरफराज कह रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है आपका स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, जो पिक्चर मैंने अभी भी दिखाई है आप लोगों को, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि काफी हद तक आप मैच कर पा रहे हैं जो पिक्चर्स बनी हुई हैं इस जो नजर आ रही है आपको, तो काफी हद तक आप जान पा रहे होंगे कि जो पिक्चर्स हैं उसमें कलर कॉम्बिनेशन काफी अट्रैक्ट कर रहा होगा आप लोगों को। ठीक है सर, मैं भेज देती हूँ। ठीक है, हाँ देखिए, सवाल नंबर है भाई आपका 3 स्क्रीन के ऊपर। द बस्ट ऑफ बियर्ड मैन फिगर वॉज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कोलॉजिकल साइट। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति मिली है? काफी आपके दिमाग में पिक्चर होगी भी, मोहनजोदाड़ो है, लोथल, हरप्पन, धोलावीरा। 4 ऑप्शन स्क्रीन के ऊपर है आपके, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सवाल अवेलेबल है, तो सवाल को आप देख सकते हैं। वेरी गुड टू ऑल। सी को कह रहे हैं हीरामणि दत्ता, हड़प्पा की बात हो रही है। एक बात ध्यान में रखें, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा और राखीगढ़ी, और साथ में आपका है लोथल की जो मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, गुड टू ऑल। देख रहे हैं सही जवाब आपका क्या है, पहले एक्सप्लेनेशन देखेंगे आपका। द वर्स्ट ऑफ बियर्ड मैन वॉज फाउंड इन मोहनजोदाड़ो, ठीक है, मोहनजोदाड़ो से मिला है। एंड इट्स फिगर मेड ऑफ, जे हम सेटेलाइट की बात करते हैं, हेंस ए इज करेक्ट ऑप्शन। जो आपकी सेल खड़ी होती है, अगर आपने व्हाइट सीमेंट देखा होगा तो आप समझ पा रहे होंगे किस तरह का होता है, जिन्होंने व्हाइट सीमेंट देखा होगा। हाँ, द मैन वॉज प्रीस साइंग, व्हाइट सीमेंट अगर आपने देखा होगा, या फिर सरकारी स्कूलों में या फिर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वहां पे तो दूसरा चौक होता है। जो सरकारी स्कूल होते हैं वहां पे एक चौक अवेलेबल होता है, काफी ब्राउन कलर का चौक होता है, वो डार्क ब्राउन कलर का, तो उसी से ये जो फिगरेन है आपकी बनाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, स्क्रीन के ऊपर है आपके जो आप देख पा रहे हैं। वेरी गुड, देखिए बफरिंग हो रही है सरबनी। मेरी तरफ से नेटवर्क क्लियर है। ठीक है, अब देखिए भाई, आपको आईबीसी में से पढ़ना क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन में से आपको हड़प्पा बिल्कुल नहीं छोड़ना है, मोहनजोदाड़ो की मैं बात कर रही हूँ, धोलावीरा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे राखीगढ़ी इंपॉर्टेंट है, लोथल इंपॉर्टेंट है आपका, और सुतकोडड़ा जो है इंपॉर्टेंट है, यानी खास करके हड़प्पा मोहनजोदाड़ो इन दोनों में से, खुदाइयों में से, एक्सकवेशन में से क्या कुछ मिला है। ठीक है, इसको एक बार देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मिस मत कीजिएगा, वरना 2 नंबर आप, 4 नंबर आप एटलीस्ट अपने जो है आप खराब करके आएंगे एनटीए के पेपर में। ये सवाल इस बार दोबारा फिर से बन रहा है, ध्यान रखें इस चीज का। हाँ, इजिप्टियन लग रहा है, नो डाउट सैंक। ठीक है, हाँ कालीबंगा विषिवम मैंने ऐड नहीं किया यहाँ पे, हाँ कालीबंगा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और हमेशा सवाल आते हैं इनके ऊपर, खासकर ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर सवाल हमेशा बनते हैं, ध्यान रखें इस चीज का। आगे बढ़ते हैं, सवाल देखिए स्क्रीन के ऊपर आपका। ओके ओके, ठीक है, गुड टू ऑल। पीछे जो जवाब मेरे पास आया था, ध्यान रखें यहाँ पर हीरामणि दत्ते ने सी दिया था, तो ध्यान रखें हड़प्पा नहीं, मोहनजोदाड़ो विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सवाल देखिए, कहने की हड़प्पन बिल्ड द अर्लीस्ट सिटी कंप्लीट विद टाउन प्लानिंग, सैनिटेशन, ड्रेनेज सिस्टम एंड ब्रॉडवेल लेड रोड्स। ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर सवाल आपको बहुत बार आ चुका है, 18 में सवाल एक बार आ चुका है, और 2020 में भी सवाल आपको इसके ऊपर आ चुका है, तो ध्यान रखें सवाल दोबारा बनेगा जरूर इसके ऊपर, और हिंदी में भी है जो सवाल मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आप आसानी से पढ़ पाए उसको। जस्ट मिनट, देखिए हिंदी में सवाल भी यहाँ पर है। सुगंधा, महाजनपद के बारे में कैपिटल से आती है और मगध इंपॉर्टेंट है, बस दो ही चीजें पढ़नी है आपको, आप कहें तो उसके ऊपर रिकॉर्डेड सेशन में दे देती हूँ आपको, महाजनपद के ऊपर।
ठीक है, क्योंकि लाइव लेना सब कुछ पॉसिबल नहीं है, तो लाइव में हम क्वेश्चन से कर लें तो वही काफी होगा हमारे लिए। महाजनपद के पीरियड में मगध की मैं बात कर रही हूँ, जिस जो आयरन कारण रहा है, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की बात करते हैं, और दूसरा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मगध के लिए जो है हमारा कैपिटल्स की जो हम बात करते हैं कि किसकी कैपिटल्स कौन सी है, और तीसरा सवाल आपका था मोनार्क और रिपब्लिकन से कि कौन सा यहाँ पर गणराज्य है, राज्य मोनार्क है, और कौन सा रिपब्लिकन है, तो यहाँ से सवाल बनते हैं सुगंधा। ठीक है, ओके, रफीक कह रहे सी है, ओके, सबका यहाँ पर सी आ रहा है कि एक और दो, डी जिसको नजर नहीं आ रहा है, डी में लिखा है कि ना तो एक है ना तो दो है, यानी दोनों के दोनों गलत हैं। देखिए सही जवाब आपका क्या है, वेरी गुड टू ऑल। ठीक है जी, ओके, फोर का सी आया है और फिर से ये गया है हमारा 100% वोटिंग में, तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल, एंड काफी अच्छा जो जवाब आपका रहा है यहाँ पर, वेरी गुड टू ऑल। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है नेहा, ये भी आप सही कह रही हैं, ये आपका भी टाइम बच जाएगा, राइट। आई विल सी नेहा, जो भी मैं आपके लिए कर पाऊंगी आई विल डू माई बेस्ट। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन इज द फर्स्ट ऑन अर्बन कल्चर इन इंडिया, ये तो आप सबको पता है, एंड दे बिल्ड द अर्लीस्ट सिटीज कंप्लीट विद टाउन प्लानिंग, सैनिटेशन, ड्रेनेज सिस्टम, ब्रॉडवेल, लेट रोड्स की बात करें, दे ऑल्सो बिल्ड डबल स्टोरीड हाउसेस ऑफ बर्न ब्रिक्स, ध्यान रखें इस चीज का, ईच वन ऑफ विच हैड अ बाथरूम, अ किचन एंड अ वेल, हेंस दी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो हड़प्पा के बारे में समझ ले भैया, हड़प्पा जो है आपका फोर पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला आपका प्री है, देन अर्ली है, उसके बाद कौन सा है, मेच्योर है, उसके बाद लेटर है, ध्यान रखें। हम मेच्योर में जब आते हैं तो हड़प्पा की बात करें, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, ये सब के सब आपके कौन से हैं, यहाँ पर पक्की ईंटों के बने हुए जो मकान आपको मिलेंगे। प्री और अर्ली में अगर मैं बात करती हूँ तो मेहरगढ़ इकलौता एक ऐसी जगह है जहां पर आपको कच्ची ईंटों से बने हुए मकान मिलेंगे, यानी ये कौन सी है, ये रूरल एरियाज थे हमारे, और ये हम बात करते हैं जो हम अर्बनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, राइट, मेच्योर वाले पार्ट में। लेटर जो पार्ट था पर डिक्लाइनिंग के फेज में आता है, तो उसको आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। यहाँ पे देखिए दो चीजें समझ में आएंगी, आई होंगी आपको, कि ईंटों के दो मंजिला घर भी यहाँ पर बनाए जाते थे। ठीक है, ठीक है, ओ फाइन नेहा, राइट राइट, ठीक है सैंक, बिल्कुल सुगंधा, बिल्कुल इसके ऊपर विचार किया जाएगा। देखिए वही सवाल आपका अगला है स्क्रीन के ऊपर, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, सवाल को पढ़ सकते हैं, सवाल नंबर है आपका 5 स्क्रीन के ऊपर। ठीक है जी, ठीक है नेहा एंड सैंक, चलिए स्क्रीन के ऊपर फोकस करते हैं, और यहाँ पर सब लोग ही अच्छे हैं, हमारा हार्डवर्क जो है बस वो नजर आना चाहिए, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। आप लोग बस नेट ज्यादा क्वालिफाई कर लीजिए, तब मुझे लगेगा कि हाँ सच में जो है हमारा एफर्ट्स हमारे काम कर रहा है। ठीक है शिवम, लग रहा है ऐसा, 90% लग रहा है शिवम, 17 अक्टूबर को होने की पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है शिवम, अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, हमें थोड़ा सा टाइम और मिल जाएगा, पर नहीं भी मिलेगा तो मुझे लगता है कि हम काफी वी आर ऑलरेडी इनफ प्रिपेयर्ड, राइट। जितने लोग जुड़े हुए हैं प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हड़प्पा सभ्यता की जो निम्नलिखित में से कौन सी कलाकृति मुख्य रूप से व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है, कांस्य पत्थर की मूर्ति, सील टेराकोटा मूर्ति कला की बात हो रही है। ओके ठीक है, शशि भूषण गुप्ता है कह रहे हैं सी होगा, शिवम का सी है, बिना सी कह रही है, पूजा कैथ का यहाँ पर सी है, देखिए भी सही जवाब आपका क्या है स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल सी विल बी द राइट आंसर, सी जो होगा आपका बिल्कुल सही जवाब है। कह रहे हैं कि विभिन्न मोहरे पाई जाती हैं जो आमतौर पर स्टीलाइट से बनी होती है, जो सेलखेड़ी की हम बात करते हैं, और कभी कभी अगेती, तांबे और टेराकोटा की, और यहाँ तक कि सोने और हाथी दांत के जानवरों के जो है सुंदर आकृतियों के साथ, जैसे कि गेंडा की बात करते हैं, बैल, जो मैंने आपको अभी भी पीछे पोटरी दिखाई थी उसके ऊपर भी आप देख पा रहे होंगे कि काफी कलाकृतियां आपको नजर आएंगी। ऐसा प्रतीत होता है कि मोहरे यानी जो हम सील्स की बात करते हैं, का उपयोग तावीज के रूप में भी किया जाता था, जो उनके मालिकों के व्यक्तियों पर पर लाया जाता था, शायद आधुनिक पहचान पत्र के रूप में। मोहरों के उत्पादन का उद्देश्य मुख्य व्यवसायिक था। ठीक है, जाहिर सी बात है आप सील्स को तभी बनाएंगे ना जब आपके पास कमर्शियलाइजेशन ज्यादा होगा। ठीक
ठीक है। और इजिप्ट और मेसोपोटामिया को देखने के बाद हम काफी हद तक अंदाजा लगा पाते हैं कि हड़प्पा का जो ट्रेड था काफी हद तक जो है काफी हद तक बेहतर है, और लोथल जो है आपका काफी अपने आप में इम्पोर्टेंट डॉकयार्ड रहा जहां से ट्रेड के लिए, सी ट्रेड के लिए जगह जो थी खुली हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल देखिए स्क्रीन के ऊपर। ओके वेरी गुड टू ऑल। सी यहाँ पर सबका रहा जवाब, और 100% की वोटिंग इस बार भी पोल रहा है सबका। काफी अच्छी इंप्रूवमेंट के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल देखिए। सवाल पूछा गया है 6 नंबर आपसे। ओके okay. ठीक है रफीक सरबनी, गुड गुड अटेम्प्ट टू ऑल। सवाल कह रहे कि इट कंसिस्ट चीफली ऑफ अ वेरी फाइन व्हील मेड वेयर्स की बात हो रही है, वेरी फ्यू बीइंग हैंडमेड, राइट। पॉलीकॉम जो है आपका पोटरी इज अ रेयर एंड मेनली कंप्राइजेस स्मॉल वेस डेकोरेटेड विद ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। तो पोटरी अगर आपने देखी जो मैंने पहले भी दिखाई थी आपको, तो आप देख पा रहे होंगे कि उस पोटरी पे काफी कलाकृतियां नजर आती होंगी आपको, राइट। तो आप काफी हद तक गेस कर पाएंगे, और हिंदी में भी सवाल जो है आपका स्क्रीन के ऊपर है, देख सकते हैं आप लोग। ओके यहाँ पर 6 का आ रहा है सी, कह रहे हैं एक और दोनों सही हैं। पॉलीक्रोम मिट्टी के बर्तन दुर्लभ हैं और इसमें मुख्य रूप से ज्यामितीय पैटर्न से सजाए गए छोटे फूलदान शामिल हैं। जो पोर्ट्रीज बनी होती हैं आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से होती हैं, और उन पर काफी हद तक हम इस तरह के मार्किंग की बात करें, चाहे इस तरह की के चीजों की बात करते हैं, तो काफी हद तक आपको नजर आती होंगी, ठीक है। ओके मैक्सिमम का जवाब यहाँ पर सी है, एंड टाइम इज ओवर नाउ, लेट्स सी द राइट आंसर। जी बिल्कुल सी जो है आपका सही जवाब है, और फिर से पोल गया है हमारा। नहीं सैंक बी नहीं होगा, सी है। पंकज कह रहे हैं सी है, ठीक है सैंक, मधु कुमारी का सी है। ओके रफीक गुड अटेम्प्ट, ठीक है बसेत वेरी गुड। ओके ठीक है, हाँ जी सी विल बी द राइट आंसर। देखिए कह रहे हैं कि जो इंडस वैली पोटरी है आपकी कंसिस्ट करती है चीफली ऑफ वेरी फाइन व्हील मेड वेयर्स, और काफी सारे जो है हैंडमेड होते हैं। पॉलीक्रोम पोटरी इज रेयर मेनली कंप्रोमाइज स्मॉल वेसेस डेकोरेटेड विद ज्योमेट्रिक पैटर्न्स की बात हो रही है यहाँ पर। रेड एंड ब्लैक पोटरी ध्यान रहे इस चीज का, और वेरियस टाइप इज ऑल्सो फाउंड। प्लेन पोटरी डोमिनेट्स ऑल्सो पेंटेड पोटरी, मैंने पहले भी बताया आपको कलर कॉम्बिनेशन का काफी अच्छा इनको नॉलेज रहा है, ठीक है। अगर आज भी अगर आप आज के पोटरी को देखेंगे तो मैक्सिमम कलर उसमें रेड या फिर ब्लैक ही यूज होता है, जिसको हम गेरुआ रंग के नाम से भी जानते हैं। तो आपका मेरा सवाल आपसे ये है कि हरप्पन सिविलाइजेशन में जो हम रेड एंड ब्लैक पोटरी की बात कर रहे हैं, मैं अगर यहाँ पर अर्ली की बात करती हूँ, यहाँ पर बात करती हूँ मेच्योर की, या फिर लेटर की मैं बात करती हूँ, तो आप मुझे बताएंगे, यहाँ पर प्री हो जाएगा हमारा, कि आप मुझे बताइए जो मेच्योर हरप्पन था आपका, वहां पर पोटरी का कलर क्या था, रेड था या फिर ब्लैक था, ठीक है आप मुझे बताएंगे अभी। ओके यस रफीक, पॉलीक्रोम पॉटरी जो थी काफी हद तक रेयर थी उनकी। नेक्स्ट देखिए स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है आपको कुछ, अगर आप देख पा रहे हैं। अंकुश कह रहे हैं रेड है, निखत का यहाँ पर ब्लैक है। ओके विभा यहाँ पर कह रही है रेड होना चाहिए, कविता वृद्धि का रेड है। ओके मैक्सिमम का यहाँ पर रेड जा रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे इस पोटरी की जो हम बात कर रहे हैं। हाँ आप समझ पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, यस 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 वेरी गुड, ब्लैक एंड रेड रफीक कह रहे हैं। हाँ जी आपने गेस किया कि मेरा सवाल क्या था, मेरा सवाल मैंने पूछा था हड़प्पन सिविलाइजेशन से, तो मैंने आपको क्या बताया कि मेच्योर वाला जो पार्ट है आपका किसमें क्या आता है, हड़प्पा आता है, कालीबंग आता है, कालीबंगा है आपका, हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, धोलावीरा है, लोथल है आपका, राखीगढ़ी है, सुरकोदड़ा है, राइट। तो जब मैंने सवाल ही हड़प्पा से पूछा है तो जाहिर सी बात है कि रेड एंड ब्लैक की बात होगी, थोड़ा सा लॉजिकल जो है लॉजिक जो है आपको अप्लाई करना पड़ेगा ना, बिना लॉजिक के आप कैसे काम करेंगे। यानी कि आप मेरे ही सवाल में आपका जवाब भी था राइट, फिर भी आप लोग पकड़ नहीं पा रहे, फिर भी यहाँ पे कईयों का रेड है कईयों का ब्लैक है। पॉलीक्रोम जो होता है, रंभा वेरी गुड मॉर्निंग, पॉलीक्रोम जो होता है फिनिशिंग के साथ बनती हैं चीजें, ठीक है। आगे मैं दिखाऊंगा आपको स्क्रीन के ऊपर कि पॉलीक्रोम जो पोटरी है वो किस तरह की दिखती है।
आप अगर इसको देख पा रहे होंगे तो आप देखिए कि यहाँ पर नजर तो आ रहा है आपको पोटी, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर आपको पिक्चर्स भी नजर आ रही हैं, आपको यहाँ पर सब कुछ नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इसमें फिनिशिंग की कमी है पोटरी में। पर जैसे ही आप लेटर हरप्पन में जाएंगे, राइट, और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे, जब हम जारवे की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, जारवे संस्कृति की बात करते हैं, तो वहां पर जो पोटरी मिली है उसमें फिनिशिंग और इसमें फिनिशिंग में काफी अंतर है आपको, राइट, तो इसको आप ध्यान में रखें। ओके सुगंधा, कोई बात नहीं, मैच्योर हरप्पन में जितनी भी आपको पोटरी मिलेगी सब रेड एंड ब्लैक में ही मिलेगी, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, ध्यान में रखिए इस चीज को। ओके लेट्स मूव अहेड एवरीवन, सवाल देखिए स्क्रीन के ऊपर है आपका। हाँ, जारवे संस्कृति की बात हो रही है, शिवम देखिए स्क्रीन के ऊपर है आपका अगला सवाल, सवाल नंबर हम बात करें यहाँ पे 7, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका स्क्रीन के ऊपर। कह रहे हैं कि इट वाज फाउंड, मोहनजोदाड़ो की बात हो रही है, मिचोर हरपन का पाठ है, ध्यान रखें, राइट, जहां से डांसिंग गर्ल भी मिली है आपकी। शोज एज ह्यूमन फिगर प्लेस क्रॉस लेग्ड, जो हम क्रॉस लेग्ड की बात करते हैं, पिक्चर दिखाऊंगे आपको आगे स्क्रीन के ऊपर। एन एलिफेंट एंड अ टाइगर आर रिवील्ड एट द राइट साइड ऑफ अ फिगर एंड अ राइनोस एंड बुफेलो आर सीन ऑन द लेफ्ट, ठीक है, स्क्रीन आपका सवाल है आगे हिंदी में, हिंदी में सवाल आप देख सकते हैं, देखिए 7 का यहाँ सी जा रहा है, पशुपति महादेव की मोहरों के बारे में उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, ध्यान रखें इस चीज का, पशुपति महादेव की बात हो रही है। यू लास्ट 20 सेकेंड सा लेफ्ट ओनली, 20 सेकेंड है आपके और सवाल का जवाब देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सुगंधा, आगे देखिए सवाल का जवाब आपका, इसको अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वो एक्यूरेट पिक्चर तो नहीं है, अगर आपको ध्यान में रहे तो एक पर्सन को दिखाया गया है जिसके दो सींगे भी हैं, ठीक है, दो हॉर्न्स हैं और उसके आसपास जो काफी लोग भी खड़े हुए हैं, तो अगर आपके दिमाग में पिक्चर होगी तो आप उसको जज कर पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम का बी है, कईयों का सी है, तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ओके लेट्स सी द राइट आंसर, सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, सरफराज, पूजा, शिवम है, नेहा, सरबनी है, मधु, रंभा, मिस्टर पंकज, सुजाता, कविता, विभा, हीरामोनी दत्ता, बसेत, पार्थ मौर्या, शशि है, सयंक, विभा, वीना है, प्रदीप गौतम, निखत, सुगंधा, अंकुश, गुट्टू और अंकुश, सुगंधा और निखत, तीनों ने सबसे तेज जवाब दिया है। गुट्टू और सबका जवाब जो है काफी हद तक अच्छा है, तो उसको आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, वेरी गुड, हाँ जी हाँ, 100% का बोल रहा है आपका। ये देखिए आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, योगी जो है प्रोबेबली शिव पशुपति सराउंडेड बाय 4 एनिमल्स, कौन सा है, राइनो, बुफेलो, एलिफेंट एंड टाइगर। और अगर आपको ध्यान में हो, अगर मैं बाकी पोर्ट्रेट अगर आपको दिखाऊंगी स्क्रीन के ऊपर, तो इन सभी जो एनिमल्स हैं उन सभी की तस्वीर आपको नजर आएगी पोटरी के ऊपर, जैसे मैं ये दिखाऊं आपको, ये नजर आ रहा है आप लोगों को, तो इसको आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं स्क्रीन की बात करती हूँ, जो तस्वीर मैंने पहले आपको दिखाई है, इसको आप देखिए, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स को डेवलप कीजिए अपने अंदर, कॉन्सेप्ट्स बहुत जरूरी है, जोड़ के पढ़िए हिस्ट्री को, ऐसे क्रैमिंग से नहीं हिस्ट्री कभी भी याद होगी आपको, राइट, ठीक है जी। यहाँ पर देखिए ये कह रहे हैं कि ऐसा माना जाता है कि उपयोग विभिन्न गिल्डों या व्यापारी द्वारा मुद्रांकन के लिए किया जाता था, ठीक है, अगर आप सील्स को देखेंगे तो उसपे जो मोहर के ऊपर जो पंच मार्क उस पे कॉइन के ऊपर लगा हुआ है, तो उसको आप देख पा रहे हो कि जो पंच मार्क है उसका, वो भी यहाँ पर बुफेलो राइनो का ही दिया हुआ है, काफी हद तक अलग अलग जगह पर, डिफरेंट प्लेसेस का अपना एक अलग कॉन्सेप्ट है, चाहे इजिप्ट की बात हो, चाहे मेसोपोटामिया की बात, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 8 आपका स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा उपयोग नहीं किया जाता, कच्चे माल की बात हो रही है, ब्रॉन्ज है यहाँ पर, क्ले है, रेडस्टोन है या फिर लाइमस्टोन है, सवाल नंबर है 8 आपका स्क्रीन के ऊपर।
वेरी गुड पूजा, निखत, प्रदीप, गौतम, सुगंधा, नेहा, सबका यहाँ पर लाल पत्थर आ रहा है। ठीक है, चूना पत्थर नहीं कह रहे हैं आप लोग, कान से नहीं है, मिट्टी नहीं है। लाल पत्थर को यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। कालीबंगा अगर दिमाग में है तो आप सवाल को हिट कर पाएंगे इजिली। शशिकांत कह रहे हैं बी होगा, राइट शशि। मिस्टर पंकज का बी है, सुजाता पाही, विभा, सरफराज कह रहे हैं 8 का बी है, शशि का है ए, और हीरा मोनी दत्ता का भी है, रफी का भी ए आ रहा है, चूना पत्थर है। लेट्स सी द राइट आंसर। योर लास्ट 10 सेकेंड्स आर लेफ्ट, ओनली 10 सेकेंड है आपके आखिरी स्क्रीन के ऊपर। 8 का बी, वेरी गुड टू ऑल। मैंने पहले भी कहा कालीबंगा अगर दिमाग में है तो काफी हद तक आप क्वेश्चंस को हिट कर पाएंगे। लोथल का जो डॉकयार्ड है, अगर किसी ने इग्नू के नोट्स ध्यान से पढ़े होंगे तो उसको अगर ध्यान में रहेगा तो आप जज कर पाएंगे कि जो डॉकयार्ड बने हुए हैं या फिर जो फोर्टिफिकेशन की हुई है उसका कलर क्या है पत्थर का। और अगर लाल पत्थर यूज हो रहा है यहाँ पर, अगर आप लाल पत्थर को मार्क कर रहे हैं कि नहीं था, राइट, तो आप बताइए पोटरी में हम लाल कलर कहाँ से लेकर आ रहे हैं तब। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेड स्टोन एंड रेड उसमें पोटरी में कोई फर्क है उसमें। वेरी गुड शिवम, सरबनी का भी 8 का, काफी से 3-4 बच्चों ने सही जवाब दिया है यहाँ पर। कोई बात नहीं सुगंधर, इट्स ऑल राइट, ठीक है, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी इट्स ऑल राइट। मुझे लगा था कि आप इसका जवाब सही देंगे। कंग्रेचुलेशंस टू हीरा मोनी दत्ता, शशि वेरी गुड, रफीक वेल डन, ओके पार्थ मौर्या वेरी गुड, पार्थ, सरबनी का ए है। ओके वेरी गुड शशि, वेरी गुड वेरी गुड, गुड टू ऑल, वेल डन। कहा मैं सॉरी, मैं वही आपको कह रही हूँ कि लॉजिक लगाइए यहाँ पे, बिना लॉजिक के इतिहास समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। भाई आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, कम से कम जब मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरा जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है ना उसको समझिए आप लोग। सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर की जब मैं बात करती हूँ तो अप्रोच को थोड़ा सा कनेक्ट कीजिए अपने दिमाग में। ठीक है, मेरे जितने एस्पिरेंट्स हैं, मेरी उम्मीद है कि आप लोग लॉजिक के साथ इतिहास को समझें। मेरा काम यहाँ पे क्रामिंग करवाना नहीं है आपको। आप इतने फेमिलियर हो जाए हर एक टर्म से ताकि कि आपको मुश्किल ना आए पेपर अटेम्प्ट करते हुए। ड्यूरिंग द आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन, ध्यान रखें इस चीज का, ठीक है, ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन, व्हाट टाइप्स ऑफ सिविक प्लानिंग रिप्रेजेंटेशन वर सीन। काफी अच्छा सवाल है आपका, टाउन प्लानिंग पर सवाल आपका साफ साफ है आपके सामने, आप समझ पा रहे होंगे सवाल को। काफी बच्चों का सवाल ही जो है सही होना ही चाहिए। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन इन हिंदी ऑल्सो। ओके वेरी गुड शशि, सैंक, ठीक है सुगंधा, कोई बात नहीं, गलती जो हो रियल टाइम एग्जाम में नहीं होनी चाहिए आपकी, यहाँ तो चल जाएगा। ठीक है, हाँ निखत, हिंदी में सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर। 10 का बी है, पार्थ कह रहे हैं, अंकुश, शशि, कविता, सुगंधा, शिवम, विभा, ओके, नेहा, सैंक, मधु, हीरा मोनी दत्ता, ओके, बीना, सैंक, सुजाता पाही, शाह, धोला, वीरा कह रहे हैं। ओके ओके, सानू का डी है, सैंक का 4 है, निखत का डी है, सैंक, साइमा, शौकत, सैयद, साइमा, शौकत। साइमा बहुत दिन बाद आपने क्लास ज्वाइन की है, सानू ने भी काफी दिन बाद जो है क्लास ज्वाइन की है, धोलावीरा, इट्स फ्रॉम धोलावीरा। लेट्स सी द राइट आंसर। देखिए भाई, कह रहे हैं कि इन द आर्किटेक्चरल फील्ड हरप्पन सिविलाइजेशन हैड मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, इट इज द फर्स्ट नॉन अर्बन कल्चर इन इंडिया, हाउस, मार्केट, स्टोरेज फैसिलिटीज, ऑफिस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओके लेट्स सी द क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट, एक्सप्लेनेशन देख ले पहले आपकी, है ना। हाँ जी, डी विल बी द राइट आंसर। बसेत, अभय, सरबनी, वेरी गुड, रफीक, डॉक्टर जावेद अली हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जावेद अली, मफरूजा खातून है, वेरी गुड वेरी गुड, शिवम, सुजाता पाही, सुगंधा, गुड टू ऑल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी, तो अगर टाउन प्लानिंग दिमाग में है, सवाल आपका ये 3 बार पूछा जा चुका है अब तक। 2015 में आया है ये सवाल, 17 में पूछा जा चुका है, और 2019 में सवाल जो आपका आया था
ये इसके ऊपर आया था कि 19 डिग्रीज के ऊपर सिटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड इट्स ब्लॉक डिजाइन इसके ऊपर। और 67 रीजन में सवाल आपका आया था कालीबंगा के ऊपर, हड़प्पा के ऊपर, ठीक है, इसी टाउन प्लानिंग को लेकर, तो आपको ध्यान में रखना है ये सवाल। वेरी गुड टू ऑल, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल देखिए स्क्रीन के ऊपर है आपका, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 11 स्क्रीन के ऊपर है। वेरी गुड, ठीक है, गुड टू ऑल, बोल रहा है हमारा 100% का, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल, ठीक है, काफी काफी शानदार जवाब है सबका, वेरी गुड टू ऑल, अप्रिसिएशन जो है आप सबके इसके लायक हैं। और जेआरएफ इस बार क्वालिफाई करके अप्रिसिएशन का मौका हमें भी दीजिए, ताकि हम प्राउडली कह पाए कि हाँ स्टूडेंट्स जो हैं हमारे अपने बेस्ट एफर्ट्स के साथ जो है पेपर को क्वालिफाई किया है, ठीक है। सयंक, इस बार मैं वही कह रही हूँ कि सवाल आपका बन सकता है कि हड़प्पा से या मोहनजोदाड़ो से जो खुदाइयां हुई हैं हमारी उसमें क्या कुछ मिला है, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सवाल इस पे बनेगा हमारा इस बार का, या सवाल बनेगा इकोनॉमी के ऊपर आपका जिसमें ड्रेनेज सिस्टम इंपॉर्टेंट है, राइट। अजय चौधरी, वेरी गुड मॉर्निंग अजय, काफी दिन बाद ज्वाइन कर रहे हैं आप। यस रफीक, ये जब एक्सप्लेनेशन कराया था तब भी ये बात मैंने बताई थी आप लोगों को, ठीक है, ओके। 11 का सी आ रहा है मैक्सिमम का, हिंदी में भी सवाल है, देख पाएंगे आप लोग स्क्रीन के ऊपर। देखिए, मौर्य वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं, मैक्सिमम का डी आ रहा है। विभा काफी देरी से ज्वाइन किया है भाई, हमारी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ हैं, ठीक है, और हर एक स्टूडेंट के साथ हैं, जितने भी लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो नहीं भी जुड़े हुए हैं उनके साथ भी है। और हमारे हमें सबसे ज्यादा खुशी तब होगी जब आप लोग अपना जेआरएफ क्वालिफाई करके बताएंगे कि हाँ वी स्पेशली यू पीपल डन इट द टास्क। कोई बात नहीं अजय, इट्स ऑल राइट, वेरी गुड नेहा, विभा, बीना, सरबनी, मिस्टर पंकज, कोई बात नहीं अजय, इट्स ऑल राइट। साइमा सैयद, साइमा शौकत है हमारे साथ, डी है, ठीक है, चलिए, वेरी गुड टू ऑल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट। जितने लोग जुड़े हुए हैं प्लीज एक बार जो है लाइक कर दीजिए सेशन को, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कोई बात नहीं विभा भाई, ख्याल रखो इस टाइम पे फीवर ओवर के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है, अभी एक हफ्ता तो भूल जाओ जब तक पेपर नहीं आ जाता आपका, ओके। देखिए मॉरेन का जो आपका आर्टिजन्स का रहा है, स्टार्टेड द प्रैक्टिसेस ऑफ हीविंग आउट द केव्स फ्रॉम रॉक्स फ्रॉम मॉन्क्स टू लीव द अर्लिएस्ट एग्जाम्पल्स आर, जो हमारी कौन सी गुफाएं थी आप सबको पता है इसके बारे में, जो बाराबर की गुफाएं थी हमारी जो आजीविकों के लिए बनवाई गई थी, जिसमें दशरथ का भी काफी हद तक रोल रहा है। डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर फ्रॉम गया, बिहार की बात हो रही है, ईच पिलर इज मेड ऑफ सिंगल पीस ऑफ बफ कलर्ड सैंडस्टोन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। शशि बिल्कुल बिल्कुल ले लेंगे, करंट एक्सकवेशन पे एक छोटा सा लेक्चर ले लेते हैं, कुछ चीजें मैंने बतानी भी है आपको, ठीक है, हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डी विल बी द राइट आंसर, डी जो रहा आपका सबका सही जवाब रहा है, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल, ओके। कोई बात नहीं अजय, रिकॉर्डेड सेशन आप देख सकते हैं, पीडीएफ्स को ले लीजिए, पीडीएफ्स पढ़ लीजिए काफी रहेंगे, और अगर सब कुछ सही रहता है तो आप क्लासेस को भी जो है यहाँ पर अटेंड कर पाएंगे अजय, ठीक है, ठीक है जी, गुड टू ऑल। क्वेश्चन नंबर पे लिखिए स्क्रीन के ऊपर आपका, बार बार जो केव्स हैं आपकी, सॉरी बार बार जो केव्स हैं आपके, सवाल वहां से बना है, देखिए, इट इज आल्सो नोन एज द लोमोस ऋषि केव के नाम से जानी जाती है, चंद्रगुप्त मौर्य फ्रॉम आजीविका सेट के लिए बना है, चंद्रगुप्त मौर्य हमारे जैन के थे, मैंने हिंट कर दिया आपको, सवाल आप देख पाएंगे स्क्रीन के ऊपर। द जो डेकोरेटेड है ये जो चैप्टर आपकी होती है उसकी बात कर रहे हैं, जो बुद्धिज्म से जुड़ी हुई है, देखिए सवाल आपका स्क्रीन के ऊपर, ओके। अजय कह रहे हैं डी होगा, सवाल नंबर है आपका 11 स्क्रीन के ऊपर, यस, क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा हमारा ये, ठीक है, वेरी गुड सुगंधा, हाँ प्लीज प्लीज क्वेश्चन को मेंशन करके बताया कीजिए, चाहे सिर्फ सवाल ही डालिए इससे पा रहा था बस, दैट्स इट, बी है, सी है, डी है, जो भी बताना चाहें आप।
मेहराब पता है ना आपको क्या होता है? हम इस मेहराब की बात कर रहे हैं जो 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 लोग मॉस्क जाते होंगे, ठीक है, या जो लोग गुरुद्वारों में जाते होंगे, आगे इस तरह का एक बाण की तरह एक शेप बना होता है, इसकी बात हो रही है, मेहराब है हमारे, राइट? हाँ जी, 12 का डी आ रहा है, कईयों का ए आ रहा है, प्रदीप कह रहे हैं 12 का डी होगा, 1 2 3 तीनों सही है। देखिए सही जवाब आपका, इट्स द राइट आंसर, यस डी विल बी द राइट आंसर, वेरी गुड। प्रदीप गौतम है यहाँ पर, पंकज सानू, 12 का सी नहीं डी होगा, सैन का डी है, ओके, नेहा कह रही है डी होगा, वेरी गुड नेहा। पूजा थोड़ा सा सवाल को देखिए, विभा तिवारी, विभा एस का तो ऑप्शन ही नहीं है, अगर आपने गलती से तो दे दिया, अगर तब वो बात अलग है। डी विल बी द राइट आंसर, रंभा है यहाँ पर, मधु, देन बसेत, ओके ओके ओके, ठीक है जी, वेरी गुड टू ऑल। अजय, निखत, सुजाता, सैन, सुगंधा, अंकुश, शशि, शशि, शिवम, पार्थ, एंड यहाँ पर बसेत है, मधु, रंभा, गुड टू ऑल, वेरी गुड, डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, ओके। जो आपकी, अब मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, बस मैंने बता भी दिया है आप लोगों को कि जो आपकी बारंबार की गुफाएं हैं वो बनवाया किसने था और कहाँ पर बनवाई गई हैं, ये प्लेस का नाम बताएंगे, एंड बताएं मुझे किसने इसको फाउंड करवाया था और किसके लिए फाउंड हुआ था, किसके लिए, टू होम, कोई बात नहीं, बट इट्स ऑल राइट, वेरी गुड विभा, वेल डन वेल डन, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन विभा, वेरी गुड, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल देखिए स्क्रीन के ऊपर अगला। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सवाल आपका आ रहा है बुद्धिस्ट मॉन्क्स और स्तूपा से, सवाल आ रहा है, सवाल है आपका 13 स्क्रीन के ऊपर, काफी अच्छा सवाल है, बुद्धिज्म से जो है आपका 8 के ऊपर सवाल, मथुरा और अमरावती से बनते हैं, राइट, और स्तूपा और विहार के ऊपर सवाल जो है आपका 18 के बाद से नहीं पूछा गया है, पर फिर भी मैक्सिमम फोकस आपका बुद्धिज्म के ऊपर होना चाहिए, चाहे हम लिटरेचर की बात करते हैं, चाहे हम बात करें उनके जो हमारे उनके प्रिंसिपल्स हैं, जो हम उसकी बात करते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है, अगर यहाँ पर 8 को देखेंगे, स्कल्पचर्स को देखेंगे, तो ध्यान आपका मथुरा 8 के ऊपर हो, अमरावती के ऊपर हो, इसमें से भी मथुरा को फोकस ज्यादा करें आप लोग, ठीक है, हाँ, गया में बनवाया है, पूजा सिंह कह रही है, वेरी गुड, अशोक ने करण, ओके, सुदामा, विश्व झोपड़ी, ठीक है दशरथ का लोम, ठीक है विभा, वेरी गुड गुड, वेरी गुड टू ऑल, सी स्तूपों और विहारों में काफी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर बनता है, अगर आपने स्तूप देखा होगा तो आप समझ पा रहे होंगे, चाहे सांची का चाहे सारनाथ का, ठीक है, किसी ने स्तूप देखा है दरअसल में, सारनाथ का या सांची का स्तूप अगर जिसने देखा है तो वो काफी हद तक सवाल को हिट कर पाएंगे, ठीक है, फॉर राजीव का सेट ऑफ अशोका, ठीक है जी, सी विल बी द राइट आंसर, वेरी गुड, किला मुबारक जैट, ओके ओके, नेहा ठीक है जी, सबका जवाब यहाँ पर सी है, ओके, अजय को छोड़कर, अजय सवाल का जवाब हमारा सी है, डी नहीं होगा, ध्यान रखें इस चीज का, और 100% की वोटिंग तो नहीं बोलेंगे, 99% का जो वोट रहा है, पोल रहा है, सबका जो जवाब यहाँ पर सही है, कंग्रेचुलेशन टू ऑल। देखिए जैन जो है मठ परिसरों का हिस्सा है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या बौद्ध धर्म की है, राजस्थान में बैराट स्तूप का सबसे अच्छा उदाहरण है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं, अच्छा सवाल आपको मॉडिफाई होकर आ सकता है, हाँ सारनाथ का निखत ने देखा है, वेरी गुड वेरी गुड, इतिहास के विद्यार्थी होकर भाई जाया करें इतिहासिक जगहों पर, काफी आपको अच्छा लगेगा, आप ज्यादा और जान पाएंगे, अब सवाल देखिए और क्या बनता है, मॉडिफाइड वे में सवाल क्या बनेगा, एक तो सवाल आपका स्क्रीन के ऊपर था, दूसरा सवाल आपका था कि भाई राजस्थान में बैराट स्तूप का सबसे अच्छा उदाहरण है, इसकी बातें हो रही हैं आपके साथ, तो ये सवाल भी दोबारा आपसे बन सकता है, ये स्टेटमेंट आ सकता है, और जो स्टेटमेंट था वो आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो इस चीज को ध्यान में रखिए आप, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर 13 है स्क्रीन के ऊपर, सॉरी 15, क्वेश्चन नंबर है 15 स्क्रीन के ऊपर आपका, धर्मचक्र परिवर्तन की बात हो रही है, कह रहे कि फॉलोइंग कोर्स कौन कौन से हैं इसमें से, ठीक है, ये पूछा गया है आप लोगों से, सवाल देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, और हिंदी में भी सवाल में, हम्म,
पार्थ मौर्य, मैं सांची तो नहीं गई हूँ, वहां मैं सारनाथ जरूर गई हूँ, ठीक है। हाँ हिंदी में दिखा देते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन स्मरण है, बुद्ध का ज्ञान है, पहला उपदेश है, बुद्ध के 8 गुण पथ, जो गुणा पथ है उसकी बात हो रही है, या बुद्ध द्वारा अपने अनुयायियों के निर्धारित आचार संहिता है। धर्म चक्र परिवर्तन की बात हो रही है, ठीक है। धर्म धम्मा के ऊपर जो सवाल आपका है, काफी बार पूछा गया है, ये आप ध्यान रखें। और सवाल आपका आता है असर्शन और रीजन में, ठीक है, और आप ध्यान में रखें, धम्म के बारे में सबको पता ही आप लोगों को कि सवाल क्या है। ओके वेरी गुड। बीना है यहाँ पर, सी कह रही है, मधु कुमारी का सी है। भाई 20 सेकंड और बचे हैं आपके पास, योर लास्ट 20 सेकंड्स आर लेफ्ट ओनली। देखिए एनलाइटनमेंट ऑफ बुद्धा, सुजाता पाही कह रही है, वेरी गुड टू ऑल। अच्छा धम्म की पॉलिसी में और जो आपका महात्मा बुद्ध की फिलॉसफी है, ध्यान रहे इस चीज का, दोनों में काफी डिफरेंस है, राइट। ए कई कह रहे हैं, सी देखिए सही जवाब आपका किया है। बी जो होगा आपका, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, वेरी गुड रफीक, वेल डन। फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, वेरी गुड मिस्टर पंकज, ठीक है, वेरी गुड। देखिए भाई सारनाथ का जो लायन कैपिटल है ना, इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्कल्पचर्स फ्रॉम मॉडर्न पीरियड। सारनाथ जो गया होगा बनारस, एंट्री करते के साथ ही उसमें रखा गया है, जो हमारा नेशनल एम्बल है उसकी जो हम बात कर रहे हैं, तो काफी हद तक आपको पिलर जो है नजर आएगा वहां पर। नेशनल एम्बल तो खैर नहीं है, पिलर नजर आएगा जो वहां पर बना हुआ है, तो बिल्ट इन ना आप देख पाएंगे, हिस्टोरिकल इवेंट है ये काफी हद तक। और हम सबको पता है कि जो बुद्ध का था सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया था, और कैपिटल था ये अशोका का, तो हम सबको इसके बारे में पता है, ठीक है। अब यहाँ पर धम्म की पॉलिसी के बारे में, बुद्धिज्म की जो फिलॉसफी है उसमें डिफरेंस है। अगर असर्शन रीजन में सवाल आपका आता है कि धम्म की पॉलिसी क्या बुद्धिज्म को काफी हद तक चेक कर पा रही है, उसको ओवरकम करती है, तो आपका जवाब होगा कि दोनों सही है पर व्याख्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बुद्धिज्म क्या है, रिलीजियस फिलोसफी है, ये कहते हैं कि खुद को इवैल्यूएट करो, इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है, जानो खुद को कि भाई आपने अगर एक बार अटेम्प्ट दिया इनटेक, आप फेल हो गए, तो दूसरी बार अटेम्प्ट दिया तो आप पास क्यों नहीं हो रहे, क्या कारण है, प्रैक्टिस में कमी है कि रिविजन में कमी है। पर धम्म की पॉलिसी ये कहती है कि भाई एनटेक का पेपर तो देना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, तो उसके लिए सही रास्ते पर जो है आपको प्रयास करना पड़ेगा। यानी अगर 6 दिन बचे हैं एग्जाम में, तो कंटेंट को छोड़कर प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, राइट। तो आपको सही जो पाथ है वो चूज करना पड़ेगा, तो कर्म अपने आप सही हो जाएंगे। बट ये कहते हैं कि कर्मों को सुधारो पहले अपने, फिर रास्ते सही होंगे। यानी बात क्या, दोनों मिलाकर एक ही कह रहे हैं, पर फर्क बस इतना है कि आइडियोलॉजी जो है अलग है। तो धम्म क्या है, इट्स नॉट रिलीजन, और बुद्धिज्म क्या है, ये रिलीजन की बात करते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को समझें एक बार। हाँ म्यूजियम में है बिल्कुल, आगे देखिए सवाल है आपका स्क्रीन के ऊपर। ओके अरे कह रहे हैं बी होगा। सवाल नंबर है 16 आपका स्क्रीन के ऊपर, देखिए राइट। सवाल है 16 नंबर, हिंदी में सवाल ये नहीं है आपका, क्योंकि मैच द फॉलोइंग ही है, तो आप इसको देखकर जो है बता पाएंगे। जगह पेटा के ऊपर सवाल 2020 में भी आ चुका है आपका, ध्यान रखें इस चीज के ऊपर। भरहुत वन ऑफ द फेवरेट टर्म, या मैं कहूँ स्कल्पचर बोले तो फेवरेट है एनटीए का। भरहुत की बात करें, सांची की बात करें, अमरावती की बात करें, हवा हमेशा सवाल बनता है, और भरहुत अभी ट्रेंड कर रहा है एनटीए के लिए, तो सवाल दोबारा बन सकता है सांची या भरहुत के ऊपर, ध्यान रखें इस चीज का, ठीक है। सैंक क्या रिपीट करना है, धम्म एंड बुद्धिज्म के बारे में बात कर रहे हैं सैंक। यहाँ पर 16 का सी आ रहा है, ठीक है, 16 का डी, मधु कह रही है सुगंधा का 16 का सी है, नेहा कह रही है सी है, ओके, मफरूज कह रहे हैं 16 का सी है, सैंक कह रहे हैं डी है, हीरा मोनी दत्ता का 16 का सी है, सरबनी का 15 का डी है, बसेत कह रहे हैं 15 का सी, सानू ने सी कहा है, ओके। यानी टाइम जो है आपके पास 10 सेकंड का टाइम और है, सवाल को देखें और जवाब देंगे आप। वेरी गुड टू ऑल, गुड अटेम्प्ट, गुड कॉपरेशन, ठीक है सायंक बनर्जी, ठीक है सायंक, मैं लास्ट में समझाती हूँ आपको एक बार, ठीक है। क्लास जब खत्म होगी देन आई विल एक्सप्लेन यू द होल कॉन्सेप्ट वन मोर टाइम सायंक, ठीक है। चलिए देखते हैं सही जवाब क्या है इसका, वेरी गुड टू ऑल। देखिए भाई अच्छा हिंदी में है ये, भरहुत जो है बिहार का भाजा, महाराष्ट्र में
जगह पे आंध्र प्रदेश में तो एक है, दो है, तीन है, तीनों सही हैं। तो देखिए सही जवाब आपका क्या है, सी विल बी द राइट आंसर। सी है मिस्टर पंकज, वेरी गुड। रफीक, सरफराज, गुड। ओके सरफराज ने पहले भी सी दे दिया है। ओके सुजाता पाही का सी है, एंड सानू कह रहे सी होगा, रंभा कुमारी का सी है, हीरा मोनी दत्ता का सी है, नेहा सुगंधा, मधु मधु डी नहीं होगा, पूजा इट्स अ सी, वेल डन निखत, अंकुश अंकुश, निखत और पूजा तीनों ने सबसे तेज जवाब दिया है। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल, थ्री ऑफ यू, सॉरी ऑल तो नहीं होगा बिकॉज कईयों के जवाब यहाँ गलत हो गए हैं, पर जिनका जवाब सी है काफी अच्छी बात है। देखिए ये कह रहे हैं कि जो आपका भरहुत है मध्य प्रदेश वाला, एमपी वाला, बोध गया बिहार का जगह पेट आंध्र प्रदेश में है, मथुरा उत्तर प्रदेश में, खंडगिरी और उदयगिरी की जो हम पहाड़ियों की हम बात करते हैं, अगेन वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एनटी एवरीवन। ठीक है, उदयगिरी के ऊपर सवाल हमेशा बनता है, एंड पुणे के जो पास भाजा और नागपुर महाराष्ट्र के पास पावनी है उसकी बात हो रही है, तो ये आपको मैच द फॉलोइंग में थे, इसको आप ध्यान में रखें। ठीक है, अच्छा उदयगिरी की जो पहाड़ियां हैं उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप लोग, कोई भी एक एक या दो जने? हाँ जी शिवम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गुड मॉर्निंग नमिता, नमिता काफी दिन बाद ज्वाइन कर रहे हैं क्लास आप। अच्छा ध्यान रहे, अभी 7:30 बजे प्लस का बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको, और 200 सवाल मुझे करवाने हैं डेली बेसिस पे आपको, उसको आप देखेंगे। 7:30 बजे मिलूंगी आपको पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 मैं करवाऊंगी आपको 4 बजे शाम को। ठीक है, तो 200 क्वेश्चन जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके लिए, जो पेपर में आते ही आते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, तो माइंड द इंफॉर्मेशन और बाकी को भी बता सकते हैं। ओके जैनिज्म से रिलेटेड है, बिल्कुल अंकुश सही कह रहे हैं आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर, आपका सवाल पूछा अगेन भरहुस क्लबचर से सवाल आपका आया है, यानी मैंने पहले भी कहा कि वन ऑफ द फेवरेट टर्म की अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और एनटीए सवाल हमेशा यहां से बना रहा है, राइट? तो इसको ध्यान से समझ ले, भरहुत की बात करें चाहे हम यहाँ पर बात करते हैं सांची की बात कर लें, चाहे हम बात करें अमरावती की, ठीक है? हाँ जैनिज्म से रिलेटेड है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ओके दे आर टॉल लाइक इमेजेस ऑफ यक्षा नक्षिणी की बात हो रही है भाई, भरहुस क्लबचर जो अगर आपने देखा होगा तो सामने ना आपके ऐसे इस तरह की इमेज होती है, ठीक है? इस यहाँ पर कुछ तस्वीरें नजर आती हैं आप लोगों को, या इसकी बात हो रही है, यक्षा रक्षिणी की बात हो रही है, जो काफी हद तक ग्रीक का कॉन्सेप्ट है, इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है आपका। हिंदी में सवाल देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर। श्रवण बेल गोला में, नेहा बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा जिस विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे उस विधि का नाम क्या है? जैनिज्म को जो लोगों ने पढ़ा होगा वो काफी हद तक समझ पाते होंगे, तो सवाल मैंने पूछ लिया है, जवाब आप दे दें अपने कमेंट बॉक्स में। वेरी गुड, ये यक्ष और यक्षिणी की छवियों की तरह लंबे हैं, ये मौर्यकालीन मूर्तिकला के प्रमुख उदाहरणों में से एक है। शशि वर्मा जी, शशि शशि पहला दिन है आपका, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले पेपर के लिए, और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी क्लास में। उम्मीद करती हूँ कि जो इतना पढ़ाया जा रहा है वो काफी आपके काम आने वाला है, और काफी हद तक आप पेपर को सॉल्व कर पाएंगे जितने सवाल आपके पेपर में आएंगे इस बार। अच्छा बिल्कुल फी कम है उसकी, आप ज्वाइन करें एक बार, जो भी रहेगा कॉन्सेप्ट उसको आप देख पाएंगे, और ऐसा नहीं है कि आप अपने पैसे देकर वो खराब जाएंगे, आगे भी आपको काम ही आते हैं चीजें वो, ऐसे कुछ नहीं है। और बेस्ट एजुकेशन के लिए अगर आपको कुछ यहाँ पर ज्यादा जो है सोचने की जरूरत नहीं, संलेखना भी थी, बिल्कुल नेहा सही कह रही हैं आप। मनदीप डेली आर्ट की क्लास नहीं होती है, ठीक है? आप अगर चाहें तो एक 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 आधा वीडियो हम और इस पे ले सकते हैं, पर इतना काफी रहेगा आपके लिए, तो इट इज टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम। इंग्लिश लैंग्वेज में गिव मी क्वेश्चंस, विवेक वर्मा कह रहे हैं। इट इज द पोस्ट मॉडर्न आर्ट, भरहु स्कल्पचर आर टॉल लाइक इमेजेस ऑफ यक्षास एंड यक्षिणी इन मॉडर्न पीरियड, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं, गुड टू ऑल, बिल्कुल बिल्कुल। संलेखना विधि जो रहती है आपकी, जिसमें भूखे रहकर अपने प्राणों को त्याग दिया जाता है,
जैनिज्म में जो है ये तरीका है, कहते हैं निर्वाण प्राप्त करने का, तो उस विधि को अपनाना पड़ता है। ठीक है, यही सबसे बड़ा एक थोड़ा सा कारण भी माना जाता है दोनों जो सेक्ट थे उनमें भेदभाव आने का, यानी डिफ्रेंसिएशंस आने के। ठीक है, ओके। अच्छा एक बार आप देख लें, अगर आपको ज्वाइन करना है प्लस का बैच, आप देखें आपको क्या सही लगता है, अगर आप कंफर्टेबल है ज्वाइन करने में तो कीजिए उसको। बिल्कुल बिल्कुल, 18 का डी है, अजय कह रहे हैं सुगंधा कह रहे हैं 18 का डी, वेरी गुड। अजय, सुगंधा एंड निखत तीनों का लीड में जवाब रहा है, अंकुश वेरी गुड, ओके। सुजाता, विभा, सयंक, शिवम, हिंदी में दिखा दे, देखिए भाई। सांची स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, उसकी बात हो रही है आप लोगों से। प्रदीप गौतम 18 का सी, विवेक वर्मा कह रहे हैं सी होगा, वेरी गुड टू ऑल। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए जो लोग भी जुड़े हुए हैं। नमिता कह रही है सी होगा। नमिता काफी दिन बाद क्लास ज्वाइन की है, और इट्स अ हम्बल सबमिशन टू ऑल, प्लीज वॉच ऑल द रिकॉर्डेड सेशंस ऑन द स्पेशल ऐप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। इट्स अ हम्बल सबमिशन टू ऑल, प्लीज ट्राई टू ज्वाइन ऑल द सेशंस, आपके काम का है। अगर सेशन रिकॉर्डेड नहीं देखना है तो पीडीएफ निकाल कर पढ़े वहां से कम आप लोग, राइट? वेरी गुड, 18 का सी है, कई कह रहे हैं डी होगा, लेट्स सी द राइट आंसर। सी जो है, नक्काशी तकनीक भरव की तुलना में अधिक उन्नत दिखाई देती है, प्रतीकों का उपयोग बुद्ध और मानुषी बुद्ध या पिछले बुद्धों को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। सांची स्तूप में कथाएं अधिक विस्तृत हो जाती हैं। ठीक है, जो हम जातकों की बात करते हैं उसकी बात हो रही है। 18 का सी है, रंभा, ओके। नेहा का जवाब सही है, शिवम, ओके। कविता विरदी, और यहाँ पर नमिता का जवाब सही है, विवेक कुमार है, वर्मा है, बर्मन, ओके। विभा, सुजाता, अंकुश डी क्यों है, गलत कर दिया आपने। निखत का सी है, अजय का यहाँ पे डी है, सुगंधा वर्मा का यहाँ पे 18 का डी है। भाई क्या हो गया आप लोगों को, गलत मत लीजिए सवालों को। सरफराज का सी है, ठीक है सरफराज, ओके। चलिए आगे चलते हैं। नमिता क्या कह रही है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, पीडीएफ पढ़ानी है कि भेजनी है ग्रुप में। सवाल देखिए, भरूच क्लस्टर के ऊपर अलग से पूछा गया है, कि रिपीटेड क्वेश्चन है क्या हमारा फिर से, राइट? देख लेते हैं इसको। ओके, ये मैंने करा ही दिया है आपको, आगे बढ़ते हैं। सवाल देखिए, सवाल रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 19 है स्क्रीन के ऊपर, सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 आपसे कह रहा है, ओके, 19 का डी है, निखत कह रहे हैं रिपीट है, हाँ निखत रिपीट है, रिपीट है, क्वेश्चन रिपीट था। सवाल नंबर 19 को देखिए आप लोग। हिस्टोरिकल नरेटिव्स ऑफ बुद्धास विजिट टू कपिलवस्तु इज कार्व्ड इन भारूड स्तूपा अकॉर्डिंग टू द टेक्सुअल ट्रेडिशन, देयर आर 24 बुद्धास। सवाल काफी अच्छा है आपका, सवाल को पढ़ेंगे और जवाब देंगे आप लोग। गुड अटेम्प्ट टू ऑल, ओके, अच्छी क्वेश्चन। अंकुश कह रहे हैं 19 का सी है, हिंदी में सवाल दिखा देते हैं आपको, लेट्स सी द क्वेश्चन। हिंदी में सवाल है आपका स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है भाई आपको। भरहु स्तूप में बुद्ध की कपिलवस्तु की यात्रा का ऐतिहासिक आख्यान उकेरा गया है। अभी अभी जो सवाल आपने देखा होगा उससे आप समझ पा रहे होंगे, एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट से। शास्त्रीय परंपरा के अनुसार 24 बुद्ध हैं, कौन सा सही है? आखिरी 20 सेकेंड है आपका स्क्रीन के ऊपर। रफी कह रहे 4 है, विवेक का ए है, अजय का सी है, निखत का ए है, मधु, सुजाता, हीरामणि दत्ता, शिवम, विभा, ओके। नमिता, कविता विरदी, प्रदीप गौतम, बसेद, सुजाता, मधु कुमारी, गुड्डू और मोनिका मौर्य हैं, नेहा, ओके, मफरूजा खातून, ओके, मोनिका, ओके, रंभा कुमारी ने 19 का सी कहा है, लेट्स सी द राइट आंसर। टाइम हो चुका है आपका पूरा, देखिए सवाल आपका आंसर क्या होगा इसका। बी जो रहेगा, अब बी है, बी बिल्कुल सरबनी, बी है, सरफराज ए नहीं है, बी है, सानू ए नहीं, बी है,
और किसी का भी जो जवाब है यहाँ पर सही नहीं आया है, एक्सेप्ट दो तीन लोगों को छोड़कर। देखिए, हिस्टोरिकल नरेटिव ऑफ बुद्धिस्ट विजिट्स टू कपिलवस्तु इज कार्व्ड इन सांची स्तूपा एंड विच ऑल्सो कंटेन्स सीज ऑफ कुशीनगर, बुद्धा विजिट टू कपिलवस्तु, विजिट ऑफ अशोका टू राम ग्राम स्तूपा। अकॉर्डिंग टू द टेक्सुअल ट्रेडिशन देर आर 24 बुद्धास, बट ओनली फर्स्ट वन कौन थे, दीपांकर, एंड द लास्ट सिक्स, ठीक है, वॉज पिक्टोरली रिप्रेजेंटेड। रिमेनिंग बुद्धास आर रिप्रेजेंटेड जो है सिंबल्स के थ्रू उनको रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। एक सवाल का जवाब मुझे कमेंट में बताइए, जो लुम्बिनी की हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, लुम्बिनी में जो अशोक गए थे आपके, वहां पर टैक्सेशन को घटाकर कितना कर दिया गया था, टैक्सेशन था कितना और कितना कम कर दिया गया था, ये बताएंगे आप मुझे, था कितना और कम कितना कर दिया गया था, ये बताइए मुझे। ओके शिवम, कोई बात नहीं, एक ही सवाल हो गया है। निखत, एक्सप्लेन करूं दोबारा से? देखिए भाई, सवाल है आपका, जस्ट अ मिनट, भरहु स्तूप जो है, ये कह रहे हैं कि बुद्ध की कपिल वस्तु की यात्रा का ऐतिहासिक आख्यान उकेरा गया है। जो आपका भरहुत वाला स्तूप है उसमें ये कह रहे हैं कि महात्मा बुद्ध जब कपिल वस्तु गए थे तो उसके बारे में, उनके जो उनका विजिट था उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई है, राइट। दूसरा कहते हैं कि शास्त्रीय परंपरा के अनुसार, यानी कि जो हमारे ट्रेडिशनल परंपराएं हैं उसके हिसाब से, जैसे हम कहते हैं ना कि महावीरों के कितने सारे गुरु थे, ठीक है, कितने सारे, और महावीर को कितना, महावीर जो है हमारे कौन से, बरखा चौधरी, क्लास का टाइम किसका, बरखा पूछ रही हैं आप, 1/8 से 1/6 कर दिया गया, ठीक है। मोनिका, थोड़ा सा सवाल को देखिए, 1/20 कर दिया गया था, मोनिका कह रही है, थोड़ा सा देखिए। तो ये कह रहे कि 24 बुद्ध थे, तो ये कह रहे हैं कि केवल एक है, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, ना तो एक है ना तो दो है। एक्सप्लेनेशन देखिए अब इसका, एक्सप्लेनेशन में बात कर रहे हैं कि बुद्ध की कपिल वस्तु की यात्रा के ऐतिहासिक आख्यान सांची स्तूप में जो है उकेरा गया है, जिसमें कुशीनगर, कुशीनारा के बारे में बात की गई है, बुद्ध की कपिल वस्तु की, अशोक की रामग्राम स्तूप की यात्रा पर भी शामिल है, इसके ऊपर भी बात की गई है। तो शास्त्रीय परंपरा के अनुसार 24 बुद्ध तो हैं, बट लेकिन पहले एक दीपांकर और अंतिम छे, यानी कि पहले और आखिरी जो छे हैं उसके बारे में जो है आपको पिक्चर्स के थ्रू यहाँ पर जानकारी मिलती है, जो रेस्ट ऑफ द लोग हैं उसके बारे में आपको सिंबल्स के थ्रू जानकारी मिलती है। जैसे महात्मा बुद्ध को बोलते हैं कि जो उनका पद चिन्ह है उनको महाभी निष्क्रमण के बारे में बताता, सॉरी घोड़ा जो है उनको महाभी निष्क्रमण के बारे में बताता है, राइट। यहाँ पर महावीर की बात करें तो उनको लायन से डिपिक्ट किया जाता है, तो इन चीजों के बारे में बात की गई है सिंबल्स के थ्रू और पिक्चर्स के थ्रू, ठीक है। हाँ सही, कुछ जो 24 तीर्थंकर है उसके बारे में बात हो रही है, तो उसमें से हमें पहले तीन और चार के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और आखिरी जो दो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, बीच वालों के जो लोग हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं दी जाती है। तो उसी तरह से एक बात की जा रही है, तो जातकों में इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है हमें, जो हमारे मिथक हैं, जो माइथोलॉजी की हम बात करते हैं, रियलिटी कुछ नहीं है, राइट। बरखा प्लस के ऊपर हमारी क्लास जो चलती है वो है हमारी 4 बजे रोज चलती है, ठीक है, 7:30 बजे होती है यहाँ पर पेपर वन की प्लस के बैच के ऊपर, और साथ में 11 बजे सुबह रोज होती है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। बरखा आगे बढ़ते हैं, देखिए सवाल आपको, मथुरा स्कूल की बात हो रही है, मैंने पहले भी आपको बताया मथुरा स्कूल अमरावती काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। ओके रफीक, बलि और भोग टैक्स की जो आप बात कर रहे हैं वो काफी हद तक मिलता जुलता है आपका अर्ली वैदिक फेज से भी। बलि जो है आपका मैंडेटरी नहीं था अर्ली वैदिक फेज में, पर पोस्ट वैदिक में जाके मैंडेटरी हो गया था, राइट। और भोग जो कर है आपका वो काफी हद तक मैंडेटरी था अर्ली वैदिक फेज में, पर लेटर वैदिक में जाते जाते क्या हो गया था, वो देना मैंडेटरी हो गया था, जो हम भाग दुहा की हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, बलि जो है आपका रिलीजियस टैक्स के रूप में देखा जाता है, इस चीज का भी ध्यान रख सकते हैं आप, मैंने कल भी इसके उसको डिस्कस किया था आपसे। ओके मथुरा स्कूल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो सत्य है, यह बैक्टीरिया पार्थियन और स्थानीय गंधार परंपरा का संगम है, बुद्ध की छवि यक्ष के तर्ज पर बनाई गई है,
यद्यपि बौद्ध चित्र बड़ी संख्या में पाए गए हैं, वैष्णवी और शैव धर्मों के चित्र भी पाए गए हैं। देखिए भी सही जवाब आपका क्या होगा। ओके ठीक है। ओके गुड टू ऑल। मथुरा, देखिए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। मथुरा स्कूल की जो आप बात करते हैं, देखिए गंधार स्कूल जो है बैक्टीरिया पार्थिन और स्थानीय गंधार परंपरा का संगम है, यानी मिला जुला है, यानी बैक्टीरियन को भी देखने को मिलता है, पार्थिन भी और स्थानीय गंधार भी है। मथुरा में छवियां कामुक हो जाती हैं, ठीक है, और मथुरा गेट सेंशुअल की अगर हम बात करें इंक्रीज हो जाता है काफी हद तक, तो आप इसको देख पाएंगे। मथुरा स्कूल जो आपका है और गंधारा में क्या डिफरेंस है। मथुरा स्कूल जो आर्ट है आपका, आजकल जो हिंदू टेम्पल्स हैं आपके, ठीक है, अगर आप उसको देख पाते होंगे तो वहां पर आपको काफी सिमिलैरिटी नजर आती होगी, ठीक है, मिट्टी से बने हुए हैं या लाल पत्थर से बनी हुई मूर्तियां होती हैं वहां पर देखने को मिलती हैं। पर ग्रीक की अगर बात करें, गंधार स्कूल की बात करें, तो महात्मा बुद्ध की तस्वीर देखी होगी आपने स्टैंडिंग स्टैचू में, ब्लैक कलर का जो है, ब्लैक स्टोन के रूप में, तो काफी हद तक आप इन्फ्लुएंस हो पाएंगे। तो वो गंधार की हम बात करते हैं, यानी काफी हद तक इन्फ्लुएंस है ये फॉरेन टच के साथ, ठीक है। और मथुरा में जो है प्योरली इंडियन टच होता है विद, अगर हम बात करें रेड स्टोन के साथ, और यहाँ पर जो है आपका ब्लैक जो मार्बल की हम बात करते हैं उसकी बात होती है, गंधार की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। आगे देखिए, हाँ मथुरा जो है पूरी तरह से भारतीय है, गंधार की अगर हम बात करें तो उसमें थोड़ा सा ग्रीक टच आता है, तो आप देख पाएंगे। देखिए गंधार स्कूल के बारे में बात करते हैं अब, गंधार स्कूल के ऊपर सवाल भी आ चुका है आपका, आप देखेंगे, मैंने बता भी दिया वैसे काफी हद तक, तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। ओके क्वेश्चन है आपका, हिंदी में भी देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर। शिवम कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा हिंदी में दिखाएं सवाल आपको। हिंदी में सवाल भी है यहां पर, आप देख पा रहे होंगे। हाँ रफ होता है उसमें और फिनिशिंग नहीं होती है शशि उसमें। हाँ जी हाँ जी ठीक है अंकुश रफीक। ओके क्वेश्चन नंबर 21 है भाई स्क्रीन के ऊपर आपका, 21 है, देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर। ओके बी को जा रहे, कह रहे कि बी में केवल एक और दो होगा, तीसरे को डिनाई कर रहे हैं कि गांधार कला विद्यालय कौशाम्बी और सारनाथ में फला फूला है, उसकी बात आप करें जो डिनाई कर रहे हैं। बी जो होगा आपका सही जवाब है, बिल्कुल, सुगंधा विभा हीरामोनी दत्ता है, शशि प्रदीप रफीक अंकुश निखत मधु बसेत अजय विवेक रंभा अजय चौधरी, अजय सी नहीं होगा डी होगा। ओके फाइन फाइन फाइन, शिवम कह रहे हैं सी होगा, शिवम सी नहीं है, बी विल बी द राइट आंसर। मथुरा स्कूल में सिर के चारों ओर प्रभा मंडल, आपने देखा होगा हालो बोलते हैं हम इसके, इसके जो निशान होता है महात्मा बुद्ध के सर के पीछे एक गोल चक्कर सा बना होता है, या इंडियन जो आपके डीटीज हैं उसमें भी आपको नजर आता होगा ये, उसको हम हालो बोलते हैं। ये काफी हद तक इन्फ्लुएंस है आपका ग्रीक कल्चर से, अगर आपने जीसस क्राइस्ट की तस्वीर देखी होगी या मैरी की तस्वीर देखी होगी तो वहां पर भी ये हालो का निशान आपको नजर आता होगा, ठीक है। तो गांधार कला की सबसे खास बात है ये कि इसमें एक फिनिशिंग होती है, राइट, और यहाँ पे स्टैंड रेड स्टोन की जगह पर जो है ब्लैक मार्बल जो है यहाँ पर यूज किया जाता है, तो आप देख पाते होंगे। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर एवरीवन? सवाल देखिए स्क्रीन के ऊपर आपका, सवाल नंबर है 22 स्क्रीन के ऊपर। नालंदा, ये आपको मैच करना है, नालंदा सारनाथ सांची और कोणार्क की बात हो रही है, तो बताइए किसमें कौन सा मैच है। हिंदी में सवाल ये अवेलेबल नहीं होगा और इसी में भी आपको जवाब देना है, हिंदी वाले भी देंगे और इंग्लिश वाले भी देंगे, क्योंकि मैच तो फॉलोइंग ही है। नालंदा सारनाथ की बात हो रही है,
सांची कोणार्क है, तो काफी हद तक आप समझ पा रहे हो। कल हमने जो चोला चेरस एम्पायर के बारे में डिस्कस किया था, तो सन टेम्पल के ऊपर मैंने काफी सवाल आपसे पूछे भी थे और आपने जवाब भी दिए, तो आप जवाब दे पाएंगे इसका। यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, ठीक है, अशोक पिलर है, सन टेम्पल है, स्तूपाज है, और ये कोड जो आएगा आपका यहाँ पे है, विच इज ABCND, ठीक है। डी जिसको नजर नहीं आ रहा है, डी है 1, 3, 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ पे ए है, बी है, सी है, एंड डी है, राइट। ठीक है, ओके। 22 का बी आ रहा है, लेट्स सी द राइट आंसर। 22 का बी आ रहा है, ओके, हाँ जी, बी विल बी द राइट आंसर। तो बी कह रहा है यहाँ पर कि 2, 1, 4, 3 की बात हो रही है, ठीक है, यानी यहाँ पे ए है, बी है और सी है, एंड डी है, ठीक है। तो सन टेम्पल कोणार्क हो जाएगा, नालंदा यूनिवर्सिटी है, सारनाथ की बात आप पता ही है, और सांची जो है आपका आप देख ही रहे, स्तूपा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वेरी गुड टू ऑल, वेरी गुड टू ऑल, 100% का पोल अगेन सबके पास है यहाँ पर, यानी कि 4 सवाल हमारे बैक टू बैक आए हैं, जहां पर मैक्सिमम का 5 सवाल आए हैं जिनका पोल आपका रहा है 100% का, ठीक है, गुड, वेरी गुड अटेम्प्ट। पोस्ट मॉडर्न एज की बात कर लेते हैं अब आप, पहले हमने यहाँ पे हरप्पन के बारे में डिस्कस किया था, राइट, फिर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात की, उसके बाद हमने यहाँ पर डिस्कस किया था मॉडर्न एज के बारे में, मैंने यहाँ पर आपको गंधार को पढ़ा दिया, मथुरा के बारे में बता दिया है, और बुद्धिज्म का आर्ट भी बता दिया है, ठीक है। अब बात करेंगे पोस्ट मॉडर्न एज के बारे में, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे, आफ्टर द डेथ ऑफ किंग अशोका हिज सक्सेसर वर नॉट एबल टू कीप द वास्ट मराइन किंगडम इंटैक्ट, एज अ रिजल्ट चीफ्टन ऑफ द प्रोविंस स्टार्टेड डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो आप समझ ही पा रहे होंगे चीज को, पोस्ट मॉडर्न पीरियड का काफी हद तक इंपॉर्टेंट इसलिए भी माना जाता है, और एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है आपका पूरा का पूरा। वेरी गुड पूजा, सुगंधा, सरफराज, मोनिका, सुगंधा, रफीक, मफरूज, रंभा, शिवम, बीना, बसेज एंड पूजा, शशि भूषण गुप्ता है, सैयद सामा शौकत है, सरबनी मधु कुमारी है, बीना, वेल वेल डन टू ऑल। सैमा आप चली गई थी, फिर से वापस आ गई यहाँ बीच में, चलिए कोई बात नहीं, सॉल राइट। शशि भूषण गुप्ता ने भी फिर से ज्वाइन किया है दोबारा से, ओके, वेरी गुड। विभा ने सबसे आखिर में जवाब दिया है, तो आप देख पा रहे होंगे जवाब जो है बिल्कुल सही है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको एक्सप्लेनेशन की नीड है, इसको एक्सप्लेन करो कि पढ़ लिया आपने, काफी रहेगा आपके लिए। इज देयर एनी नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन एनीवन, किसी को इसके बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए, या स्क्रीन पे काफी क्लियर है आपको? कोई बात नहीं सैयद, इट्स नॉट मैटर ऑफ अपोलोजाइज, ठीक है, काफी है। आप लोग देखिए, जरूरी ये नहीं है कि आप क्लास में आए, बस मेरी उम्मीद बस इतनी सी है कि आप जब तक बने हैं क्लास में तब तक एक्टिवली बने रहें, एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा पेपर वन का लर्निंग वाला पार्ट भी बोलता है, टीचिंग एप्टीट्यूड, लर्निंग एप्टीट्यूड ये भी बताता है टीचिंग एप्टीट्यूड के, लर्निंग अगर एक्टिव तरीके से नहीं करोगे तो भूल जाओगे एक टाइम के बाद, ठीक है। यस शिवम, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए हमारा, कोई इसमें समस्या है आपको ज्वाइन करने में? क्योंकि शिवम मैं पीडीएफ जो है 2-3 PDF रोज देती हूँ, तो आप कुछ पीडीएफ को तो नहीं मिल पाएगी ना ऐसे आपको, बाकी मैं दोबारा कोशिश करती हूँ कि मैं पीडीएफ डाल पाऊँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार, ठीक है। शिवम आज मिल जाएगी आपको, ठीक है, ठीक है जी, सरफराज, ठीक है, ठीक है, सुगंधा, ओके। देखिए सवाल नंबर 23 है आपका स्क्रीन के ऊपर, हु वाज द फर्स्ट इंडो ग्रीक रूलर टू इश्यू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला इंडो यूनानियन शासक कौन था? राजस्थान में जो हिस्ट्री वाला पेपर हुआ था हमारा, इसमें भी वो सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है, तो आप ध्यान में रख सकते हैं इसको। वेरी गुड रंभा, शिवम, कविता, वृद्धि, ओके, शिवम कह रहे हैं बी, मधु, पूजा, सरबनी, बीना, विवेक, हीरामणि दत्ता, अंकुश, सुगंधा, मधु, नेहा, ओके, गुड टू ऑल। क्वेश्चन नंबर 23, लेट्स सी द राइट आंसर। डी जो है आपका, डी देखिए भाई, यहाँ पर सवाल का जवाब क्या हो गया भाई, डी जो है, द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर वाज मेनांडर,
विद हिज कैपिटल ऑफ सकाला इन पंजाब. मिनांडर वॉज द फर्स्ट इंडो ग्रीक रूलर टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया विच इंक्रीज इन नंबर अंडर कुशानास, हेंस दे विल बी द राइट आंसर. भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला इंडो यूनानी शासक कौन था? मिनांडर की बात की जा रही है. कुशानों ने सबसे ज्यादा सिक्के को किसने जारी किए, ये एक अलग सवाल है. मोर कॉइन्स अगर रिलीज करने की बात आती है तो किसने किए, ये अलग क्वेश्चन है. सबसे पहले किसने किए, एक अलग क्वेश्चन है. भारत में सबसे पहले किसने किए, ये सबसे अलग क्वेश्चन है. समझिए सवालों को, कंफ्यूज मत होइए आपस में आप लोग. डी कह रहे हैं करेक्ट होगा आपका. ठीक है, ये सवाल मैं देख लूंगी एक बार दोबारा आपका. ठीक है, आई सी द क्वेश्चन. ठीक है, 100% पोल अगर गया है तो बिल्कुल देखा जाएगा सवाल को. मैं सवाल नोट कर लेती हूँ, कमेंट में आपको जवाब मिल जाएगा, कल तो मैं बता ही दूंगी दोबारा आपको. ठीक है, देखिए सवाल नंबर है आपका 24. फिर भी ध्यान में रखिएगा सवाल को आप. एक्सप्लेनेशन मिनांडर क्यों होगा ये मैं कॉमेंट में बता दूंगी आपको. ओके ओके ठीक है. सवाल नंबर देखिए 24वां है. विच ऑफ द फॉलोइंग एरा इज यूज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तो सबको पता होना चाहिए. विक्रम एरा, हर्ष शकों की बात हो रही है यहाँ पे, गुप्त एरा की बात हो रही है. और 2015 में सवाल इसके ऊपर आया था, उसके बाद सवाल नहीं पूछा. दिसंबर 2015 में सवाल इसके ऊपर पूछा गया था. और 2017 में सवाल आपका आया था, डिफ्रेंसिएशन क्या है, कितना डिफरेंस है विक्रम एरा में और जो हमारे शक थे उनके में, कितना डिफरेंस पूछा गया था, इसके ऊपर सवाल आपका आया था. 24 का सी है, ओके ए है, राइट. सी हीरामणि दत्ता कह रही है सी, प्रदीप गौतम का सी है. शक एरा की बात हो रही है तो ध्यान में रख सकते हैं आपका, बिल्कुल सी विल बी द राइट आंसर. कनिष्क वाज द मोस्ट फेमस कुशाना रूलर, ही इज नॉन टू द हिस्ट्री बिकॉज ही स्टार्टेड इन एरा 78 एडी विच इज नॉन एज द शक एरा विच इज यूज बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है. ओके क्वेश्चन देखिए भाई, नागर स्टाइल के ऊपर आपका आ रहा है. एक ही सवाल मैंने यहाँ डाला है क्योंकि टेंपल के ऊपर मैं दूंगी आपको अलग से वीडियो एक. मोनिका के 135 साल का डिफरेंस है. मोनिका श्योर, वेरी गुड टू ऑल. इसमें भी रही है वोटिंग आपकी अंकुश को छोड़कर. अंकुश सी होगा, नेहा का भी सी है, ए हो गया, नेहा सी होगा, निखत सी होगा. ठीक है ओके. सवाल नंबर देखिए 25 स्क्रीन के ऊपर है आपका. नागर स्टाइल की बात हो रही है तो आप देख पाएंगे. टेम्पल्स की जो वीडियो है अलग से मैं दूंगी आपको, ठीक है, उसके ऊपर अलग से आपकी क्लास लूंगी एमसीक्यू के ऊपर अल्ट्रा मैराथन, तो उसको आप देखिए एक बार. एक ही सवाल मैंने ऐड किया टेम्पल से, बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठाऊंगी तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि नागर का क्या कौन सा है, वेसर का कौन सा है. तो थोड़ा सा मैंने इसमें सिर्फ एक ही सवाल ऐड किया है गोल्डन लेन से आपका. सी आर एम मैक्सिमम जवाब कह रहे दोनों हैं, यहाँ पर एक है यहाँ पर दो है. इन मंदिरों में विस्तृत चार दीवारी या प्रवेश द्वार है. गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे टावर के नीचे स्थित होता है, तो इसकी बात हो रही है. नरेंद्र नमस्कार, बहुत देरी से नरेंद्र ज्वाइन किया है आपने. एंड यार क्लास इज अबाउट टू ओवर नाउ, 12:40 होने वाले हैं. क्लास जो है हमारी 11 बजे से चल रही है. ओके नरेंद्र, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड सेशन देखें एक बार और साथ में कोशिश करें पीडीएफ को भी पढ़ने की. देखिए सही जवाब आपका क्या है, बी जो है आपका विल बी द राइट आंसर. ठीक है, सी क्यों है भाई, बी को देखिए. अनलाइक इन साउथ इंडियन नागा स्टाइल टेम्पल्स डू नॉट यूजली हैव एलिबरेटेड बाउंड्रीज वॉल ऑफ गेटवेज, दक्षिण भारत के विपरीत नागर शैली के मंदिरों में आमतौर पर विस्तृत चार दीवारी या प्रवेश द्वार नहीं होते हैं. शशि ये सवाल मैं दोबारा लूंगी, ठीक है, आप इसको छोड़ दिए सवाल. सब कुछ बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे उससे में कि सही जवाब आपका है क्या. ठीक है, सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के कारण से नागर शैली का नाम दिया गया. यह संरचनात्मक मंदिर स्थापत्य की शैली है जो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत
के क्षेत्रों में प्रचलित है? नागर कहाँ प्रचलित है आपका, राइट? और इसे 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में मौजूद शासक वंशों ने पर्याप्त संरक्षण दिया। कोई नागर शैली का मंदिर बता सकते हैं आप अगर दिमाग में है? नागर स्टाइल का कोई मंदिर बता सकते हैं आप लोग अगर दिमाग में है अभी तो? कोई बात नहीं नरेंद्र, इट्स ऑल राइट। नागर शैली का कोई मंदिर बता सकते हैं जो अगर आपके अभी माइंड में है कोई भी? ये देखिए, ये है आपका नागर शैली का मंदिर, ये आपका द्रविड़ का मंदिर है और ये आपका वेसर का मंदिर है, ठीक है? द्रविड़ जो आपका साउथ वाला है, नागर जो आपका नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है, जैसे कि मैंने एक्सप्लेनेशन में भी बताया आपको। वेसर जो है आपका पूरी तरह से यहाँ पर नॉर्थ का और साउथ का मिला जुला एक तरह से पार्ट होता है, ठीक है? इसको आप देख पाएंगे। जगन्नाथ टेम्पल, हीरा मोहन दत्ता, वेरी गुड। खजुराहो टेम्पल है। अच्छा, द्रविड़ का कोई बता सकता है? द्रविड़ का भी एक बता दीजिए कोई सा भी। कुषाण शासक था विम कडरफिशेज, और क्वेश्चन इंडो ग्रीक का पूछा था, तो मिनांडर राइट है। पूजा ने एक्सप्लेनेशन दी है क्वेश्चन की, आप देख सकते हैं। पूजा कोई बात नहीं, एक बार मैं दोबारा से बताऊंगी इस चीज को, ठीक है? वेरी गुड शशि। मीनाक्षी टेम्पल, वेरी गुड। नेहा, बृहदेश्वर टेम्पल, वेरी गुड, ठीक है? तांजूर वाला बृहदेश्वर टेम्पल की बात हो रही है, ठीक है, जो हमने कल भी डिस्कस किया था। लिंगराज टेम्पल, वेरी गुड शिवम। बर्देश्वर टेम्पल है, कविता वृद्धि कह रही है, वेरी गुड टू ऑल, गुड अटेम्प्ट। टेलीग्राम मिलेगा आपको, लिंक दिया हुआ है मैंने ऊपर, तो उसको आप देख पाएंगे। SRS 10 ये मेरा कोड है, और आज ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 7:30 बजे मेरी क्लास है प्लस के बैच पे, पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 के लिए मेरी क्लास होगी आपके साथ दोबारा से 4 बजे आज भी, और कल तो है ही 11 बजे, ठीक है? ओके, वेरी गुड प्रदीप, ठीक है। मोनिका, वेरी गुड टू ऑल, गुड वन। ये देखिए भाई, ये जो हम आप सवाल पूछ रहे थे, जो आप सवाल पूछ रहे थे उसकी बात हो रही है। यहाँ पे बाउंड्री नहीं है, चारों तरफ ही आपको ध्यान में रखना है। ये कलश की बात हो रही है, अमालक, शिखर, मंडप और अर्ध मंडप, और ये है आपका गर्भगृह जो नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर आपका। तो ये नागा स्टाइल के खास चीज बात है ये टेम्पल की। अगर सवाल सेशन रीजन में अगर ये आता भी है, और 2020 में आ भी चुका है आपका सवाल था, और 18 में भी आया है ये सवाल आपका। सवाल पूछा है कि शिखर जो है किसका इंपॉर्टेंट फीचर रहता है, तो शिखर दोनों में भी है, नागर में भी द्रविड़ में भी है आपका। ओके, कोई बात नहीं विवेक वर्मा, इट्स ऑल राइट, ठीक है? जब भी टाइम मिले यू हैव टू अटेंड द क्लास, ओके एवरीवन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द नेहा, कमेंट में जो है मार्क्स मेंशन नहीं करेंगे आप लोग, तो चलिए आपने कर दिया तो अच्छी बात है। 25 सवाल हमने किए हैं जिसमें से एक में आपको डाउट था, तो 24 सवाल हम ले लेते हैं, ठीक है? जो गोल्ड वाला सवाल था, मैं यहाँ पर मिनांडर को अभी भी बोलूंगी जो हमारा बिल्कुल सही जवाब था, क्योंकि मैंने यहाँ पर सवाल इंडो ग्रीक से पूछा था ना, कि कुशानों से पूछा था, ठीक है? जो पूजा ने भी स्टेटमेंट दिया यहाँ पर फिर भी मैं बता दूंगी आपको दोबारा से, ओके? और सैंक, जो आप बुद्धिज्म के बारे में बात कर रहे थे मुझसे और धर्म के बारे में बात कर रहे थे, सैंक आप हैं यहाँ पर? सैंक इज देयर? ओके, सैंक इज नॉट देयर, अगर है तो बता दे, सो दैट आई विल एक्सप्लेन बुद्धिज्म और धर्म पॉलिसी। अगर नहीं है तो आई विल टेक द अनदर डे, कल ले लूंगी मैं इसको दोबारा से, ठीक है? शिवम, रंभा कुमारी, वेरी गुड रंभा। नेहा, ठीक है, मिनांडर इज राइट शिवम, ठीक है? चलिए, तो 25 में से रखेंगे स्कोर ना आपका, 25 में से बताएंगे। वेरी गुड प्रदीप, वेरी गुड कविता, वेरी गुड प्रदीप, वेल डन। 23 नंबर लिए हैं प्रदीप ने, काफी अच्छी तैयारी है प्रदीप, वेरी गुड। सुगंधा, वेरी गुड शिवम, वेल डन शिवम। रंभा, ओके नेहा। सैंक नहीं है, सैंक आप नहीं है तो इसके बारे में मैं कल बताऊंगी आपको, ठीक है? बाकी को समझ में आ गया है ना, बुद्धिज्म और धर्म के बारे में समझ में आ गया है सबको, तो मैं दोबारा इसको नहीं ले रही हूँ, राइट?
और ध्यान रहे भाई, कल जो होगी क्लास आपकी संगम एज के ऊपर है क्लास आपकी, टेम्पल्स के ऊपर मैं क्लास दोबारा से लूंगी आपकी, जो भी शेड्यूल रहेगा आई विल इन्फॉर्म यू इन माई टेलीग्राम चैनल। 10% के डिस्काउंट के साथ आप मेरा कोर्स प्लस के ऊपर ज्वाइन कर लीजिए, 7:30 बजे मिलूंगी पेपर वन के साथ, और पेपर टू पढ़ाऊंगी आपको 4 बजे प्लस के बैच के ऊपर, ठीक है? ओके, रफीक कह रहे हैं एंटियोकस टू वाज द फर्स्ट वन ऑफ द इंट्रोड्यूस द गोल्ड कॉइंस फॉर वेरियस इकोनॉमिक रीजंस। तो रफीक, एंटियोकस ने सबसे पहले किए थे रिलीज, तो पूरे भारत में सबसे पहली बार किए थे कि रूल में आने के बाद किया था? रफीक, आई विल चेक वंस, मैं दोबारा चेक कर लूंगी इसको, ठीक है? नेहा, स्पेशल क्लास नहीं है हमारी, आपको 9 बजे मिलूंगी मैं पेपर वन के साथ आज यूट्यूब के ऊपर। इंडियन लॉजिकल, इंडियन लॉजिक पढ़ाऊंगी आपको, तो ज्वाइन कर लीजिएगा मुझे, इंडियन लॉजिक के बारे में बात करेंगे आज, ठीक है? 9 बजे मिलूंगी आपको, यूट्यूब के सेशन के ऊपर ही पढ़ाऊंगी। रफीक, वेरी गुड, संगम पर सुगंधा, हाँ। प्लीज ट्राई टू मेंशन योर ऑल द स्कोर्स इन द कमेंट बॉक्स एवरीवन। मैं बार बार कह रही हूँ, अपना कमेंट बॉक्स में जो है सवाल पूछ सकते हैं, जवाब देकर जाएं और मार्क्स बताकर जाएं, और टेंपल के ऊपर आपको क्लास मिल जाएगी जल्द से जल्द, और जितनी कोशिश होगी मैं कर पाऊंगी, मैक्सिमम जो क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। हाँ सुगंधा, 4 बजे प्लस की क्लास है। प्रदीप, मैंने कहा मैं चेक कर लूंगी इसको, रफीक का भी इस पे डाउट है, आई विल चेक वंस, ठीक है? चेक करके मैं कल आपको बता दूंगी, ठीक है मधु? इट्स ऑल राइट मधु, चलिए, थैंक यू सो मच। कोई क्वेरी है आपका? 1 मिनट का ओपन डिस्कशन है, जो आपका कनिष्क वाला सवाल था मैं दोबारा ले लूंगी आपका, ठीक है? कोई और क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, 1 मिनट इज फॉर योर ओपन डिस्कशन। ओके नेहा, ठीक है, ठीक है रफीक, आई विल टेक द क्वेश्चन। ओके शिवम, थैंक यू सो मच टू ऑल, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर कॉपरेशन, योर सपोर्ट एंड योर, थैंक यू शिवम, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल। ओके, 9 बजे मिलेंगे भाई इंडियन लॉजिक के साथ, तो ज्वाइन कर लीजिए क्लास उसको, और 4 बजे मिलेंगे, इतिहास पढ़ाएंगे आपको, और 7:30 बजे क्लास होगी आपके पेपर वन पे प्लस के सेशन के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉपरेशन। नो नो शिवम, आई एम नॉट ग्रेट, यू पीपल आर सीरियसली वेरी ग्रेट एस्पिरेंट, जिस हार्डवर्क से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि इस बार नेट जाना आपका क्वालिफाई हो, ठीक है? ठीक है, यू ऑल आर ग्रेट, ठीक है, यू ऑल आर ग्रेट, दैट्स व्हाई आई एम ग्रेट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन, डोंट फॉरगेट टू लाइक।